أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم

आप सबको को खुश आमद कहता हूँ हमारी ये रमज़ान की खसूस नशरियात और हम हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं हर इंसान की मैं बात करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में नकियाँ समेटें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़ुशियाँ दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तकालीफ से निकालें जहाँ पर भी जब भी मौका मिले हम सब की एक कोशिश रहती है कि हम कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा काम एक ऐसी चीज़ करें जिससे आने वाले वक्त में लोगों को फ़ायदा हो और टीवी पे बैठ के जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो ओबसली जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं लोग एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि हम उनकी जो आवाज़ है या उनकी जो बात है उसको आगे तक पहुँचाएँ या जो मिसकसैप्शन है अबाउट सोसाइटी उसको भी आगे पहुँचाया जाए पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर दुनिया कायम दायम है आज अगर ये दुनिया अपने पूरे उसके साथ चल रही है तो रीज़न ये है कि आज भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं दिन रात इंसानी खदमत कर रहे हैं अल्लाह ताला को खुश करने में लगे हुए हैं अपनी पूरी पूरी खदम्त पेश करते हैं लेकिन वहीं पे कभी कभी कुछ ऐसे वाक़त रूनुमा होते हैं जो के बहुत ज़्यादा सामने आते हैं ये हमेशा से रहा है लोगों के किए हुए अच्छे काम बहुत कम दिखाई दिए लोगों की हुई अच्छी बात बहुत कम दिखाई दी हमने भी बेतहाशा शोज़ किए जो कि शायद बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे थे लेकिन हमारी कोई ग़लती या कोई एक बेवकूफ़ी जो है आ, वो इस कदर वायरल होती है आ, एंकर्स की कि वो उसके पीछे किए हुए सारे काम का सत्यानाश कर देती है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बना देती है उसकी छोटी छोटी गलतियों को जिस तरह से फिर सामने लाया जाता है तो बात यह है कि हर इंसान से गलती होती है दुनिया में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई इंसान है गलतियाँ तो होंगी उसी को सुधारना है उसी को सही करना है तो आज भी हमने सोचा कि थोड़ा सा हम इस बात पे डिस्कस करें टॉपिक आज का हमारा है शिद्दत पसंदी पे। शिद्दत पसंदी किसी भी सूरत हाल में हो सकती है किसी भी आजकल सोशल मीडिया पे जब कोई एक बात होती है और पूरी सोशल मीडिया ट्रॉलिंग उसके ऊपर शुरू हो जाती है वो भी शिद्दत पसंदी में मेरा ख़्याल है कि वो आ जाती है वो चीज़ किसी मर्द के पीछे किसी औरत के पीछे कोई एक बात लेके पूरे के पूरे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं सोशल मीडिया भी मीडिया भी लोग भी तो ये भी जो है वो शिद्दत पसंदी में ये चीज़ आ जाती है हमने शिद्दत पसंदी को जोड़ दिया सिर्फ हमारे जो वो लोग जो शायद मुसलमानों के साथ साथ ज़्यादा जोड़ दिया शिद्दत पसंदी को गया यार मुसलमान ज़्यादा शिदत पसंद है एक हद तक चले जाते हैं लेकिन हकीकत देखा जाए तो दुनिया भर में जो शद्दत पसंदी है वो बहुत ज़्यादा है आ, बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग शुभों में इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेते हैं कि वो अनबेरेबल भी हो जाती है और अनबिलीवेबल भी हो जाती है आज भी आ, हम जिस टॉपिक पे बात बेसिकली शिद्दत पसंदी है क्या शिद्दत पसंदी की अगर हम बात करते हैं तो एक मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमें ना बांट जो है जो अल्लाह ताला ने जो तकसीम की है उस पर हमें अग्री करना है उस पर हमें हाँ बोलना है कि हाँ ये अल्लाह ताला की तकसीम है तो ये तो एक बात हो गई फिर शिद्दत पसंदी की जब हम बात करते हैं तो खां म खां अपने इल्म से अपने रुतबे से अपने अपनी पावर से अपने अगर आप बहुत ज़्यादा लोग हैं तो आपको लगता है कि आपका ग्रुप बहुत बड़ा है तो उस ग्रुप के थ्रू लोगों पे अपनी बात मुसलत करवाना ये शिद्दत पसंदी में ही आता है आए दिन कोई ना कोई वाकया ऐसे होते हैं सड़कों पे भी हो जाते हैं मोहल्लों में भी हो जाते हैं मार्केट्स में हो जाते हैं फेसबुक पे हो जाते हैं ट्विटर पे हो जाते हैं इंस्टा पे हो जाते हैं ये सब शिद्दत पसंदी में आता है हमारी इस्लामी तलमत हरगिज हरगिज शिद्दत पसंदी को पसंद नहीं करती हैं मैं कुछ कोटेस हैं मैं इसलिए गलत बात नहीं करता अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता कुरान कहता है दीन में जबर नहीं है। आज जब उमय कराम आएंगे, जब हम उनके साथ बैठेंगे उनसे इस पर बात करेंगे तो आप भी जानेंगे कि दीन में जबर नहीं है ये इंसान है जो के आ, अच्छा ये दूसरी बात ये भी है ना कि एक आदमी है आ, जिसकी दाढ़ी है आ, और वो आ, शलवार कमीज पहनता है और वो टखनों से ऊपर शलवार पहनता है और उसकी दाढ़ी भी है अगर वो कोई बात करेगा तो खाम खवा भी उस चीज़ को जो है वो ज़्यादा उछाला जाता है जबकि वहीं पे अगर हम देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो शदत पसंदी इसराइल ने अख्तियार की हुई है वो कम शदत पसंदी तो नहीं है कि पानी के टैंकर नहीं पहुँच पा रहे बच्चों तक खाना नहीं पहुँच पा रहा हस्पता तबाह कर दिए गए मसाजिद को तबाह कर दिया गया शहीद कर दिया गया लोग उसके बावजूद वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ बुज़ुर्गों के साथ ख़वात के साथ वहाँ पे जिस तरह से बमबारी उन पर की गई ये शिद्दत पसंदी नहीं है क्योंकि उनकी दाढ़ियाँ नहीं हैं उन उन्होंने शलवारें अपना नहीं पहनी हुई टखनों से ऊपर तो वो लोगों को लग रहा है ये शिद्दत पसंदी नहीं है आ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को कुछ प्रोडक्ट्स का हमने बाइकआउट किया और हम जब बाइकआउट कर रहे थे तो लोग हमें यह भी हमने ताना सुना कि भाई तुम्हारे बैकआउट करने से क्या हो जाएगा वो इतनी बड़ी बड़ी कम्पनीज़ हैं देर आर सर्टन कंपनीज इस वक्त पूरी दुनिया में जो कि बैंक होने वाली हैं सिर्फ चंद सौ लोगों के बाइकआउट करने से तो आप सोचें कि अगर हम ये सब मिलके सारा कुछ करते तो कितना बड़ा नुकसान होता आज भी मैं देख रहा हूँ लोग बैठे हुए हैं कप लेके कभी कुछ करके कभी क्या करके पब्लिसाइज कर रहे हैं आ, एक तो हम इतनी भुलक्कड़ काम हो चुके हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं होती खैर इस परमाए कराम ज़्यादा बेहतर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नरमी की कोई शक्ल होती तो दुनिया में सबसे खूबसूरत शक्ल होती और अगर सख्ती की कोई शक्ल होती तो दुनिया में सबसे बसूरत शक्ल होती ये जो सख्ती और नरमी की हम बात कर रहे हैं ये जो इख्तलाफ रखना है वो जो मैं बात करता हूँ ना कि हम बांट पे जो अल्लाह ताला की बांट है जो अल्लाह ताला की तकसीम है उस पर अग्री नहीं करते ये जो हसन है हमारी खलकत का ये इख्तलाफ राय को तस्लीम कर लेना है एक मेरी राय है एक आपकी राय है एक उनकी राय है एक किसी की राय हम सब की अपनी अपनी राय हम प्रोग्राम के जब आखिर में पहुंच रहे होते हैं जब सोबत इलम शुरू होता है यहाँ मुख्तलफ़ मसालिकुमाए कराम बैठे हैं। होते हैं इख्तलाफ़ होता है तभी मुख्तलिफ मसालिक हैं हर एक का पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है एक घर में रहते हुए बाप का बेटे से मियाँ का बीवी से बच्चों का अपने पेरेंट्स से बहन भाइयों का आपस में इख्लाफ़ राय हो सकता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना आप उन पर मुसलत करना शुरू करते हैं इख्तलाफ राय की कदर करनी चाहिए और इस बात को ले चलना चाहिए कि एक आपकी सोच है एक मेरी सोच है चलें तलाश करते हैं कि सोच किसकी सही है सो थोड़ा सा हमें इसको इस तरह से नरमी बरत के एक दूसरे के साथ बिहेव करना है और कहीं कुछ आपको ऐसा नज़र आ जाए जो कि आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो पहले उस चीज़ को आ, सौ फ़ीसद तरीके से आ, देख लें परख लें समझ लें कि हाँ ये गलत है ये सही है फिर उस पर बात करें एनी anyway, हम छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं ब्रेक से वापस आते हैं आज हमारे साथ राह नेकी में आ, जो एन जी ओ है वो लाइव होंगे कोयटा से और स्काइप पे हम कोशिश करेंगे कि उनका पैगाम आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं जी हाँ वालेकुम। आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ आज के प्रोग्राम में आ, हमारे साथ आज ताहिर साहब मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर रशीद ही सी ओ बी आर एस पी बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम उन्नीस सौ इक्यानवे में इस्टेबल हुआ uh, बहुत सारे हमारे बलूचिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ ज़िंदगी जो है वो लोग जिस तरह बसर कर रहे हैं अगर आप कभी जाके देखें तो आप लोगों को अंदाजा हो कि बहुत सारी परेशानियाँ हैं वहाँ पर उस रूरल uh, इलाकों में uh, बहुत काम कर रहे हैं तकरीबन uh, इनकी जो अप्रोच है वो बत्तीस डिस्ट्रिक्स में हो चुकी है uh, बहुत बड़े इस्केल पर काम कर रहे हैं बहुत बड़ी कम्युनिटी बना रहे हैं और मुझे बड़ी ख़ुशी है कि इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम वाले साहब कैसे हैं डॉक्टर साहब ठीक ठाक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल खैरियत से डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मैं बड़ा खुल के आपसे सवाल कर रहा हूँ बिना डरे और बिना झिझकते जिज, हुए ये बलूचिस्तान के साथ ऐसा सलूक क्यों है ये आ, आ, फैसल साहब ये बहुत ही आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया है ये बड़ी बदकिसमती है कि हम पचहत्तर सालों में भी बलोचिस्तान के अंदर और बलोचिस्तान के लोगों को इंगेज नहीं कर सके जिस तरीके से हमें करना चाहिए था उसकी बहुत सी वजूहत हैं एक तो यह है कि बहुत बड़ा सूबा आधा पाकिस्तान और फिर रिसोर्स की कमी रही यहाँ पे हमेशा से लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद दहाइयों से बलोचिस्तान अब फोकस है और तमाम जो हमारे इदारे हैं चाहे वो हकूमती इदारे हैं या हम जैसे गैर सरकारी इदारे हैं वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तही जो है वो बलोचस्तान के जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं उनको किसी तरीके से एड्रेस किया जा सके डॉक्टर साहब मैंने भी काफी ट्रैवल किया बलूचिस्तान में इट्स नॉट ईजी टू हैंडल आई मीन मुझे अंदाजा है कि बलूचिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है आ, वहां पे लोगों तक मदद पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है तो आप लोग किस तरह से हैंडल कर रहे हैं सारा कुछ तो साहब एक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये तकरीबन 40 वर्ष की हो चुकी माशाल्लाह और इससे पहले जो 8 साल थे ये पास जर्मन सेल्फ हेल्प प्रोजेक्ट के नाम से थी और उसके बाद फिर इसको हमने बी के नाम के ऊपर पाकिस्तान में रजिस्टर किया और पाकिस्तान में काम कर रही है तो एक तो सबसे पहली चीज इसमें यह है कि हम तकरीबन 32 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और उसमें तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में फुल प्लेट ऑफिस हैं और फिर दूसरी बात यह है कि चूंकि 40 साल से हम लोगों को इंगेज हमने किया हुआ है तो अब कम्युनिटी uh, के अपनी इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं और वो हमारा बाजू बन जाते हैं जब इस किस्म के कोई हालात होते हैं कोई क्लामिटीज़ आ जाती हैं या हमें अप्रोच करना होता है दूर दराज इलाकों में तो एल के नाम लोकल सपोर्ट ऑर्गनइजेशन के नाम पे वो वहाँ पे मौजूद हैं वो विलेज ऑर्गनइजेशन के नाम पे मौजूद हैं और वो uh, जो है ना हमारे कम्युनिटीज uh, uh, जो हमारी बाकी कम्युनिटीज हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं तो वो हमें फिर असिस्ट करते हैं और हमारी पहुंच को बड़ा आसान कर देते हैं जब जब कभी हमने उन तक पहुंचना होता है या उन तक जाना होता है डॉक्टर साहब एक और भी मैंने चीज बहुत सुनी कि हमारे बलोज बहन भाई जो हैं थोड़ा सा नाराज भी रहते हैं तो उस नाराजगी के होते हुए कैसे आप लोग मनाते हैं उनको किस तरह से उनकी सपोर्ट तक पहुंचते हैं फैसल भाई फ्रैंकली स्पीकिंग बीआरएसपी के साथ तो मेरा ख्याल है कि पूरे बलोचिस्तान में किसी की कोई नाराजगी नहीं क्योंकि हम एक नॉन ए पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं और हमारा काम सिर्फ डेवलपमेंट के साथ है हमारा काम सेहत के साथ है हमारा काम उनकी एजुकेशन के साथ है हमारा काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है जो लोकल लेवल पे हम बना के देते हैं हमारा काम जो है उनके एग्रीकल्चर को बेहतर करना है उनके लाइफ स्टाफ को बेहतर करना है तो हमारे साथ तो मुकम्मल तौर पे उनकी एसोसिएशन है वो और वो उनको बड़ी वो बड़ी खुशी के साथ हमारे साथ लेके काम करते हैं और हमारी कम्युनिटीज जो हैं वो सब के सब लोकल जो वहाँ हमारे वहाँ पर दोस्त हैं उन्हीं पे मुश्तमिल हैं और वो उनकी तरफ से हमें इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है अब गवर्नमेंट के साथ किसी कुछ एरिया के ऊपर तो इस किस्म के इशूज़ उनके होंगे तो वो गवर्नमेंट ऑलरेडी दी उनको डील कर रही है लेकिन जहाँ तक रूरल डेवलपमेंट का ताल्लुक है दही तरक्की का ताल्लुक है तो वो मुकम्मल तौर पे हमारे साथ मिलकर काम करते हैं और हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम उनकी जो मिजरीज हैं उसे मिनिमाइज कर सकें उन्हें कम से कम कर सकें अब ख़त्म ना कर सकें सर क्या चैलेंजेस ज़्यादा वहाँ पे आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज़ सम ऑफ द रूरल एरियाज इन बलोचिस्तान दे डोंट हैव वाटर बिजली नहीं है स्कूल के इश्यूज हैं छत के इश्यूज हैं uh, खाने पीने के बहुत इश्यूज हैं तो आप लोगों को सबसे ज्यादा चैलेंज किस चीज़ का है इनके रूरल एरियाज में फैसल साहब आज इक्कीसवीं सदी में भी अगर आप देखें तो बलोचिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे एरियाज हैं बहुत से ऐसे इलाके हैं बहुत से ऐसे देहात हैं जहाँ साफ जो पानी पीने का वो भी मैसर नहीं वहाँ भी अभी तक बिजली मयसर नहीं है और उसके अलावा सेहत के मसाइल हैं खासतौर तो पर ख़ीन की सेहत के मसाइल हैं और जिनसे वो जो 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 एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस हवाले से हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनके साथ बैठें उनके साथ उनके मसाइल को सुनें और जो उनके मसाइल हैं उसके उसमें मिल के एक लाल बनाएं और फिर उस लाआमल को हम इंप्लीमेंट करते हैं मुख्तु डोनर्स के ज़रिए मुख्त मुख़र के ज़रिए और फिर गवर्नमेंट आप के ज़रिए तो अल आज अलहद एजुकेशन का एक नेटवर्क है बलोचिस्तान के दही इलाकों के अंदर हेल्थ का एक नेटवर्क है मैं बल्कि आपको तो बताता चलूँ कि बलोचिस्तान में जो सबसे बड़ा मलेरिया का प्रोग्राम है वो बी आर एस पी चला रही है और बी आर एस पी पहले पच्चीस डिस्ट्रिक्ट में थी आजकल सत्रह डिस्ट्रिक्ट में हैं और ये एक ऐसी ए, ए, आप ए, 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 इसको बीमारी समझें वो ए, 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 एक है कि जिससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान होता है तो हेल्थ के इशूज़ में देखें तो एजुकेशन में लाइवलीहुड के अंदर और जो सबसे एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है तो साहब आर uh, की और फिर बी आर की वो ये है कि किबत का खात्मा और गुरबत जो है घर से स्टार्ट होती है तो हम uh, हम तमाम uh, जो है जब लोगों को इंगेज करते हैं तो उनके घर तक जाते हैं घर से फिर उनकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं फिर अगर वो अगर वो बहुत बड़ा एक गांव है तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनती है बल्कि अब हम उसे यूनियन काउंसिल लेवल पे ले गए हैं तो वहाँ पे हमने तमाम गांव या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके लोकल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दी हैं और एक अच्छी बात यह है आ, हमारा दावा कभी भी नहीं है और ना हो सकता है कोई भी नॉन डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इशूज को एड्रेस नहीं कर सकती ये बेसिकली गवर्नमेंट का, का काम है ये हुकूमती इदारों का, का काम है ये लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं ये उनका काम है लेकिन हम उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उनके काम को सप्लीमेंट कर सकते हैं आगे ले जा सकते हैं अच्छे मॉडल दे सकते हैं और वो बी और बी एर एस पी जैसे बाकी इदारे इस वक्त कहाँ पर काम कर रहे हैं मैं डॉक्टर साहब जब भी बात होती है मैं लोगों को यही कहता हूँ कि ये बलूचिस्तान हमें तोहफे में मिला है और जो चीज़ हमें तोहफे में मिलती है मेरे ख्याल से हमें उसकी ज़्यादा कदर करनी चाहिए और इस सूबे की कदर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ पर रहने वाले लोग हमारे बहन भाई हैं हमारे हमारा ही हिस्सा हैं कभी कभी जब ये सारी तकलीफ में देखता हूँ तो यकीन माने बहुत दर्द होता है आ, मैंने जब आप लोगों के बारे में पढ़ा और जब सुना तो यकीन करें बहुत दिल खुश हो रहा था बिकॉज uh, जिस तरह से आप लोग माशा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फोर्टी इयर्स होने को हैं जब आप लोग काम कर रहे हैं और जिस तरह से लोग आपकी भी मदद कर रहे हैं uh, मैं लोगों से डॉक्टर साहब आपके बिहाफ़ पर यह दरख्वास्त करता हूँ मैं बार बार ये बात लोगों को कहता हूँ कि आपको जब एक बात पता चलती आप नहीं कर सकते ठीक है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अपने जानने वालों के साथ शेयर करें थोड़ी से लोगों को आगाही दें कि जी बलूचिस्तान में ये लोग हैं जो इस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं तो हमें मिल के उनको हेल्प आउट करना है बलूचिस्तान मादनियात का ख़जाना है लोगों को अंदाज़ा है इस चीज़ का लेकिन फिर भी थोड़ा सा लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से हम हेल्प आउट करेंगे Uh, किस तरह से आगे बढ़ेंगे तो जनाब uh, बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और बहुत आगे बढ़ के काम कर रही है बेतहाशा लोग हैं जिनको वो मदद कर चुके हैं हमने पूरा हम साथ साथ जब डॉक्टर साहब बात कर रहे थे हम पूरा पैकेज लेके साथ में चल रहे थे कि आप लोग देखते रहें सुनते रहें समझते रहें कि क्या क्या काम बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने वहाँ पे किए हैं और अभी भी जाहिर सी बात है बहुत काम करना बाकी है लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत है वहाँ पे एक तो गर्मी की शिद्दत जब वहाँ पे होती है तो वो बहुत अनबेरेबल है पीने का पानी का बहुत इशू है रहने के बहुत सारे इशूज़ हैं तो वो सारे इशूज़ हम मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करके ख़त्म कर सकते हैं डॉक्टर साहब आप आखिर में कुछ कहना चाहें हमने मुस्तकिल जो है इनकी वेबसाइट भी चलाई है इनके नंबर्स भी चलाए हैं ताकि डिटेल हम चलाते रहें अकाउंट डिटेल चलाते रहें आप लोग स्क्रीन शॉट अपने दोस्तों को कहें अपने जानने वालों को कहें आप ख़ुद भी बिल्कुल सपोर्ट करें जी इस कॉज को जी डॉक्टर साहब आखिर में आ, जी फैसल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इन्वाइट करने का मैं मैं तो एक मैसेज ये देना चाहूँगा अपने पॉलिसी मेकर्स को भी और बाकी जो हमारे डेवलपमेंट सेक्टर के दोस्त हैं उन सबको कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकिल है अगर आपने अपनी अगर आपने फूड सिक्योरिटी की बात करनी है तो बलोचिस्तान सामने आएगा अगर आपने ब्लू इकोनॉमी की बात करनी है तो बलोचिस्तान सर फहरिस्त है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि ये पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ जो है ना वो चला सकता है बल्कि ये 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 जो है ना वो बाकी भी जो हमारे अफसाया मुल्क हैं उनके लिए भी रोजगार के फराम जो जो, जो जो होते हैं मौाक़े वो उसको दे सकता है तो बलोचिस्तान में कंसनट्रेट करना चाहिए आज अलहदुल्ला बी आर एस पी ना सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का, का काम कर रही है बल्कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को भी जो है ना वो सपोर्ट कर रही है फैसल साहब हमने टू मिलियन जो जो है इस वक्त ब्यूटन यूनिवर्सिटी को दिए हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हम वहाँ पे जो रीन एनर्जी का एक सेंटर बना रहे हैं जिस पे रिसर्च होगी और बलोचस्तान के बच्चे वहाँ पे ना सिर्फ जो है रिसर्च करेंगे बल्कि बलोचस्तान को फ़ायदा होगा हमने हॉस्पिटल्स बना के दिए हैं हमने ट्रामा सेंटर्स बना के दिए हैं और उसके अलावा जो है जो हमने बिजनेस जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दिए हैं तो ये सिर्फ रूरल डेवलपमेंट तक महदूद नहीं है हमने गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को भी जो है इसमें मदद दी है तो आए सारे सब मिलजुल के काम करें इस वक्त ग्वागर के जो लोग हैं वो देख रहे हैं पाकिस्तान के लोगों की तरफ और उनकी मुश्किल हैं उनकी मुश्किल को कम करें और मेरा ख्याल है कि एक एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है वो बलोस्तान के बच्चों की तालीम है और ख़ासतौर पर फनी तालीम जो, जो है ना फनी तालीम तो टिकट में हम आलोडी काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके साथ काम कर रहे हैं उसमें हमारे दोस्त जो है उन बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं ताकि का बच्चा भी पाकिस्तान के बाकी दीगर सूबों के बच्चों की तरह में आए और अपना जो है एक आमीन अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे हमारी पूरी सपोर्ट आप लोगों के साथ है फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं देखते रहिए है, नूर रहमान इश्क रमजान असलम जी आप सबको खुश आमदेद कहते हैं दीन और दुनिया का ये सेगमेंट शुरू हो चुका है आज मेरे साथ दो दो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर नजर साहिबा तो हमारे साथ होती हैं हमारे पैनल का हिस्सा हैं और हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करते आ रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट रमज़ान और हमारी आगे भी ये कोशिश रहेगी कि, कि हम करते रहें थोड़ा सा हमने कल भी डिस्कस किया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर और आज भी हम थोड़ा सा उस चीज़ को ले चलेंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे हैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ़ एक्वाशीक एंड ग्लोशीक स्किन केयर सर्टिफाइड कोच हैं टीचर हैं ट्रेनर हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं मरियम फैसल अमीन आपको हम खुश आहमद कहते हैं खुश आमदेद और आप दोनों को हम खुश आमद कहते हैं कैसे आप ठीक ठाक हैं अलहदुल्ल का शुक्र है डॉक्टर रुजर साहबा आज भी काफ़ी कुछ हमारे लिए लेकर आएंगी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से लाई हैं बिल्कुल लेके आए हैं जी सलाम कर लेते हैं नाजरन को अल्लामक और छठा रोज़ा सबको मुबारक हो और उम्मीद है कि आप कुछ अपनी स्वाब में से कुछ दुनियादारी जो है या दुनिया का जिसे हम कहते हैं हकूक दुनिया के बारे में यक़ीन कुछ सोचना कुछ करना शुरू ज़रूर किया होगा तो इस उम्मीद के साथ हम अपनी नशियात को जारी रखेंगे जी तो और मरियम साहबा भी जो है वो बड़े अच्छे टॉपिक के साथ यहाँ पर आए पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्माइल एंड ग्रैटिट्यूड ऑन मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ आज हम भी जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो आई वाज टॉकिंग अबाउट शिद्दत पसंदी यस yes. ये शिद्दत पसंदी जो है वो जब आपके पास इख्तियार आ जाते हैं तो आप अपने आप को मुसलत करना शुरू कर देते हैं किसी दूसरे yeah. पर Yeah. कि मैं यहाँ बैठ के ये बोलूँ कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ उसी तरह से होगा hmm. तो ऐसे नहीं हो सकता एक आपकी राय है एक मेरी राय एक इनकी yeah. राय है हम सबकी अपनी अपनी राय हैं सो ये ये जो पॉजिटिव इफेक्ट्स मुस्कुराहट के ये हमारे आदात के ये क्या है थोड़ा सा पहले इस पे बात करते हैं फिर हम डॉक्टर साहबा की तरफ बढ़ेंगे Assalamualaikum. Assalamualaikum. And, uh, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्माइल एंड ग्रैटिट्यूड मैं पहले बताऊंगी कि मैं क्यों उस पर बात करती हूँ मैं आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज फैशन भी रही मीडिया भी रही ब्यूटी भी रही थर्टी थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेकिन एट दी एंड मुझे एहसास हुआ कि लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है लोगों ने मुस्कुराना छोड़ दिया है सो आई केम टू दिस कंक्लूजन दैट आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन स्माइल एंड ग्रैटिट्यूड सो दिस इज हाउ आई एंड डूइंग दिस तो नाउ आई गो टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज जहाँ मैं इस पर बात करती हूँ कि क्यों ज़रूरी है वैसे तो आपको पता है कि इस्लामिक के लिए ये सुनना है मुस्कुराना आप किसी को अगर मुस्कुरा के देखते हैं तो यू नो इट्स हदीस है इसमें आपको मतलब मिलता है लेकिन इसके और भी साइंटिफिकल भी पहलू हैं वो ये हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज़ होता है इम्यून सिस्टम ठीक होता है आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाता है और आपकी एकदम से मूड जो है वो एकदम से अपलिफ्ट होती है लाइटअप हो जाती है ऑटोमेटिकली ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा ही है हमारे लिए जो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल नाक के नीचे रखी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते लेकिन जब आप ये करते हैं इन फैक्ट साइंटिस्ट हैज़ प्रूव दैट कि डोंट फील लाइक स्माइलिंग ऑल्सो कर अगर आप ग्रिन भी करते हैं तब भी वही केमिकल न्यूरो जो है आपके ब्रेन को हिट करते हैं और वही फीलिंग आपको देते हैं जिसको कहते हैं, इट्स अ लिफ्टर, उसके एकदम से आपके मूड को ठीक कर देता है। सो so इसीलिए इस पर बात करना करती हूँ कि, तो you know, so कि सुबह जब आप उठते हैं तो प्रैक्टिस स्माइलिंग एक सेकेंड दो सेकेंड के लिए करें तो कहते हैं वो लोग कहेंगे पागल है मैंने कहा पागल क्यों है <laughs> you, मैंने

अच्छाइयाँ तो कर लेते हैं फिर वो जो अपनी चीज़ें बदल नहीं पाते तो चीज़ें बदलनी चाहिए हमें अपनी जो आपकी बैड हैबिट्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही हैं परेशान कर रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान में लोगों को गुस्सा बढ़ जाता है लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे होते हैं एज रमज़ान एज सपोज टू बी अ पीसफुल मंथ लेकिन यहाँ चीज़ें ज़्यादा हो रही होती हैं तो वो क्यों हो जाती हैं दैट इज़ वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू वर्क ऑन ग्रैटिट्यूड एंड स्माइल मोर एंड इट कम्स टू ग्रैटीट्यूड Gratitude की भी वही असर है जैसे अल्लाह ताला कहते ते बी ग्रेटफुल आई गिव्यू मोर तो जब आप ग्रेटिट्यूड भी करते हैं ग्रेटिट्यूड में भी कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को बहुत ज्यादा पैसे दे दें दे दे या कोई राशन दे दें दे, आप एक किसी को मुस्कुरा के देखना भी सद का जा रहा है जी छोटी छोटी चीजें मेक्स अ बिग डिफरेंस इन लाइफ ये बड़ा वास्ट अपना क्या कहते हैं टॉपिक है बड़ी लंबी इस पर डिस्कशन हो सकती है जी 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 और बड़ी देर तक हम इस पर बात कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल और वो जो आप बात करती हैं ग्लोबल वार्मिंग या और सारी चीजें उसमें जब ये ह्यूमन रिलेशन बेहतर होता है हम दुनिया भर आपने भी ट्रैवल किया आप लोगों ने भी ट्रैवल किया आप एक रेंडम आदमी जिसको आप जानते नहीं हैं जिसके साथ आपकी बातचीत भी नहीं है आपको पता ही नहीं है ये कौन है ठीक है ना आप लिफ्ट में घुसते हैं एक एक लड़की या एक लड़का सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है आपको देख के हेलो हाउ आर यू यू वेयरिंग अ नाइस जैकेट यू आर वेयरिंग अ नाइस शूज़ नाइस जैनम ब्रो सो आपकी तो बातचीत ही नहीं है उससे वो आपकी ऐसे तारीफ कर देता है कि आपका ना यूं ये हो ये जाते हैं है, है, आप कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और चला जाता वाँ। है व्हाट अ ब्यूटीफुल आइज यू हैव नाइस ग्लासेस सो यू नो लाइक कोई भी एक एक ऐसा आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है Uh, कि आप ऐसे खुश हो जाते हैं आप कहते हैं यार फिर आप भी उसकी तारीफ कर देते हैं आप हंस के मिलते हैं आप मुस्कुरा के मिलते सोच रहा होता आपको बताऊँ इंटरेस्टिंगली हैं जो मुसलमान नहीं है उनके लिए तो अगर आप देखें तो रोड पे चल रहे हैं तो सलाम करते हैं जबकि हमारे मज़हब में है कि आप सलाम पहल करिए जी जी वो सलाम में पहल करते हैं आपसे एक रिश्ता कायम करते हैं जब आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं या आप सलाम में पहल करते हैं तो आप एक उस अजनबी आदमी के साथ आप एक रिश्ता कायम बिल्कुल बिल्कुल तो ऑबियसली जब आप लोगों के साथ इस्माइल से मिलेंगे हमारे यहाँ एक और मेरी अम्मा कहा करती थी हम तैयार हो मुझे ज़रूर सुबह में बुला कर के कैसी कहती तुमने कुछ पहना नहीं मैंने कहा कि कहते वेर स्माइल दिखाओ वो और दिखाओ दिखा। दिखा। बाकायदा वो फरमाइश करती थी नहीं, अब कि ये दिखाओ हमारे तो यहाँ मसला है ना अगर कोई लड़की किसी लड़के को मुस्कुरा के सलाम ही कर दे वो लड़का पक्का हो जाएगा yes. वो अगले दिन घर के बाहर खड़ा होगा के देखा था। आ, तो ये वाले मसले ये भी तो भी है ना, हमारे। ये हैं। हैं। भी भी तो में रिलेशनशिपर भी भी शरिया कम्प्लाइंस ना सड़क पर चलते हुए मर्दों को समाज नहीं लगाया लेकिन अब सबके अलावा जो सोशल नॉर्म्स हैं अगर हमें ठीक करने हैं और अपने ताल्लुक इस दुनिया के साथ और लोगों के साथ अच्छे करने तो उसका एक स्माइल एक सलाम एक अच्छा इनिशिएटिव है दिन के लिए नहीं, आप नहीं। जब आप डॉक्टर साहब किसी से मिलते हैं उसके उसका दिल कितना बड़ा होता है मैं कभी कभी ये हम लोग एज ए अब तो हम सीनियर्स जो हैं जब हमारे जूनियर्स हमें मिलते हैं तो मैं तो बड़े उनसे प्यार से यू नो लाइक गले वले लगा के उनको क्या हाल है कैसे हो ये तो वो यूँ हो जाते हैं ना कि मतलब यू नो लाइक तो मतलब कोई मजाक नहीं ये मेरे साथ हुआ ना मैं बिल्कुल मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ uh, हम एक प्रोग्राम uh, में थे आई एम टॉकिंग अबाउट टू थाउजेंड थ्री और फोर तो हम सारे एक्टर्स लाइन से खड़े हुए हैं सबक सदर परवेज मुशर्रफ साहब एंटर होते हैं और वो जैसे सबसे मिलते हुए आए मैं तो उस वक्त नया नया था मेरा बूटा ही हिट हुआ था सिर वो जिस तरह मुझे मिले और भाई क्या हाल है तुम्हारे फैसल कुरैश मैं तो ऐसे ही हो गया ना मैंने पाकिस्तान का सदर मुझसे ऐसे मिल रहा हाँ। तो पीछे हो बात ना करे कोई है haan, a a confidence confidence जब आप ये ग्रेटिट्यूड की बात करती हैं तो हर सुबह असल में मसला जो हम इतने दिन से बातें कर रहे हैं वो दुनिया के हकूक या लोगों के हकूक के साथ हमारे अपने हक भी हैं ना जिसको हम सबसे पहले तो बिट्रीट हर सेल्फ Yeah. हम अपने आप को ना तो अप्रिशिएट करते हैं ना saying. हम अपने आप को पसंद करते हैं तो अगेन जब आप अपने आप को खुद पसंद नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे पसंद wow, करेंगे बिल्कुल, 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 आप अपने आप को जब अप्रिशिएट नहीं करेंगे uh. दूसरा कोई आपको अप्रिशिएट नहीं, नहीं करेगा तो फर्स्ट यू हैव टू अप्रिशिएट योर जब आपकी सुबह होती है आप आईना देखते हैं स्माइल करते हैं देखते हैं एंड यू अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड यू आर प्रिपेयर फॉर डे सबसे पहले जो चीज़ जब मरियम आ रही थी तो हमने ऐसी बात कर रहे थे कि जब आपके दिन का आगाज होता है अगर आप बहुत पॉजिटिवली पॉजिटिव, पॉजिटिव इंसाइट यू आप स्टार्ट करें कि अल्लाह का शुक्र है कि नई सुबह मिली है बिल्कुल नए ख्वाब पूरे करने के लिए और लोगों को फैसिलिटेट मिल गया रोजा रखने के लिए अपने इबादतों के लिए और अपने नए ख्वाब पूरे करने के लिए और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनके ख्वाब पूरे करने के लिए बिल्कुल जो आज हम यहाँ कर रहे हैं ये जो रमज़ान की नशियात है आप देखिये इसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ फैसिलिटेट किया जा रहा है उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए उनके आगे वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तो मेरे ख्याल इससे अच्छा प्रोग्राम और अगर हम इस सोच के साथ सुबह शुरू करें तो इससे अच्छी सुबह नहीं हो सकती ये आपकी बात बिल्कुल बजाय मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने मेरे अल्लाह ने हर इंसान को बहुत प्यारा बनाया सही yes, बिल्कुल cool, बहुत sure. प्यारा बनाया हर इंसान को बहुत प्यारा बनाया बेड़ा करक हम खुद कर लेते हैं उठके खा खा के कुठी <laughs> चीजें चीज़ें मुंह पे लगा लगा के बालों के अंदर पता नहीं क्या क्या लगा लिया मुंह के ऊपर पता नहीं क्या क्रीमें थोप ली ये रंगत ये कद ये मोटापा पतलापा ये सब फजूल की चीज़ें ये हम आपको बार बार कह चुके हैं आपकी हेल्दी स्किन होनी चाहिए आपकी हेल्थ होनी चाहिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रंगत या आप थोड़े से चबी हैं या आप बहुत पतले हैं भाई कोई आपको कुछ कह रहा है कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है यू आर परफेक्ट अल्लाह ताला ने आपको बनाया है भाई ये अल्लाह ताला की क्रिएशन है आप जब आप अल्लाह ताला की क्रिएशन है अल्लाह की क्रिएशन कभी गलत नहीं हो सकती सो so, सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में डालें फिर उसके बाद आपने अपना ख्याल करना है ख्याल करने का मतलब ये नहीं कि पुटी सीधी क्रीमें लगाते रहो कि वो बाजी ने बताया था कि लहसन में ना नमक में के तीन दफ़ा आँखों में डाल लें <laughs> तो आपकी आंखें बॉडी हो जाएंगी तो ऐसा ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना नहीं हमारे टीवी चैनल्स पे हुआ है मरियम अब आप आपको पता है इस चीज़ के बारे में ऐसे ऐसे पुठे पुठे लोगों ने मशवरे दिए हैं और वो बेचारी बच्चियों के स्किन का सत्यानाश तो भी हुआ है लड़कों का भी बेड़ा गर्क हुआ है फिर वो सस्ती सस्ती क्रीमों के चक्कर में स्किन का बेड़ा गर्क किया लोगों ने क्योंकि वो देखें मैं फिर वहीं घूम के आ जाता हूँ ये जो रिश्ता देखने का हमारे यहाँ रिवाज है जिसमें जिस तरह से बच्चियों को ट्रीट किया जाता है उसके ऊपर वो पता नहीं कब बैन होगा इस मुल्क में वो जिस तरह से आप इस तरह बकरा नहीं खरीदते जिस तरह आप उस लड़की के रिश्ते के लिए जाते हैं मेंटली टॉर्चर कर देते हैं उसके कॉन्फिडेंस का सत्यानाश कर देते हैं उस बच्ची का सो so, उसकी उसका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ जाता है आपकी बच्ची के दांत ऐसे हैं आपकी बच्ची की नाक ऐसी, आपकी की ऐसी है आपकी बच्ची की आंखें ऐसी हैं आपकी बच्ची की तो रंगत हाय हाय हाथ तो देखो जरा इसके किस तरह नाखून और अपना बच्चा देख लें आप खुदाई कसम रात को अंधेरे में नजर नहीं आता वो लाइट जलाओ अच्छा, तब भी I पता was, नहीं चलता कि है कि नहीं है घर में यस्टरडे फैसल आई वाज मेरी बेटी ने एक वीडियो दिखाया है एक रमा साहब थे उनसे किसी ने सवाल किया कि मेरी बीवी जो है वो बहुत मोटी है वो अब मेरे लिए वो अपनी दुबली नहीं होती अच्छा तो, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि अच्छा आई यू आर आर्नल्ड स्वाचनेगर

और गॉसिपिंग के मौजूद बदल रहे हैं। अरे कहा हमारी एक्ट्रेस तस्वीर लगाती है नीचे उसके जो लड़कियों ने ही उसका बेड़ा घर किया हुआ होता है लिख लिख के उसके ऊपर सड़ी हुई है छोटा सा सॉरी हालांकि हम इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं मैं एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी वो मॉडल थी उसने खुदकुशी की थी इसी ट्रोलिंग की वजह से इन लोगों को तब भी समझ नहीं आता है कि ये क्यों इस तरह से किसी को हर्ट कर सकते हैं आपको बुरा लग रहा है ना कोई आपको बहुत बुरा लग रहा है कि उसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हुए उसने वाहियात कपड़े पहने हुए वो इस माशरे के हिसाब से ड्रेस्ड अप नहीं हो रही है ब्लॉक हर डोंट फॉलो ट्रू मैं मैं बात कहती ये नहीं कहती कि चीजें ठीक हो रही हैं इस वक्त हम एक ट्रांजेक्शन के पीरियड में हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड प्रीच लाइक दैट कि हम ना तो बहुत मगरबी हैं ना बहुत मशरकी हैं हमारे घरों में कुछ और हो रहा होता है मीडिया में कुछ और दिखा रहा है तो इस वक्त जो सोशल ट्रॉमा है कि हम खुद अपने आप को बहुत कंफ्यूज कर लिए कि हम जा कहाँ हैं तो जब भी कोई चीज़ ट्रांजेक्शन में होती है वो मैसअप होती है Of थोड़े course. दिन लगेंगे जब हम अपने माशरे को थोड़ा सा ईस्ट एंड वेस्ट के साथ कुछ मिक्सअप कर सकेंगे जो दूसरी दुनिया ने किया है जैसे अगर हम एशियन कंट्रीज को देखें मलेशिया इंडोनेशिया सिंगापुर चले जाएं जापान चले जाएं चाइना दे दे हैव बीन इन अ ट्रांजैक्शन पीरियड एंड नाउ सेटिंग थिंग्स मैंने, मैंने इंटरनेशनली भी देखा है वहाँ पे भी जो बंदा फारे है ना वो, वो बकवास ही कर रहा है जो फारे है वो बकवास कर रहा है। हमारी शेफ साहबा बड़ी मसरूफ है मैं हाँ लेकिन आप बता देंगे आप क्या बना रही है मैं ब्रेक से आपकी तरफ ही आ रहा हूँ <laughs> बता दू आ? मैं बना रही हूँ सवैं को रैप करके चिकन में उसको हम डीप फ्राई करेंगे और इसके साथ एक ऑरेंज सॉस बनेगा आ? जिसका डिप होता है ये बना रही हूँ देखे दे, सेवै के अलग अलग इस्तेमाल करने के तरीके हम आपको आज बताएंगे जानने के लिए देखते रहिए टीवी छोटा सा ब्रेक है ब्रेक से वापस आते है जी हाँ मज़ेदार अवतार और साथ में दीन और दुनिया और कुछ मजे मजे की बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं मरियम फैसल अमीन साहबा मौजूद डॉक्टर नुसर साहबा मौजूद हैं शेफ साहबा ने कोई आज मुश्किल से डिश निकाल ली है कल बाय द वे आपकी पालक पनीर सुपर हिट रही है अच्छा आज हमारे जो उलमा थे उन्होंने भी खाई मैंने भी खाई wow. सब ने बहुत तारीफ की बड़ा मजा आया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अल्लाह पाक आपके हाथ में और बरकत दे और और लज्जत दे। आमीन, आमीन, आमीन देते हैं हम चिकन को मैरिनेट करेंगे चीजों में फिर उसका बैटर बनाएंगे फिर उसको सवैयों में रैप करके उसको डीप फ्राई करेंगे ठीक है ठीक है तो मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ अच्छा इसके लिए मैंने लिए है <laughs> फाइव हंड्रेड ग्राम चिकन है जो कि मैंने बोनलेस लिया था ब्रेस्ट पीसेज उसको मैंने लंबी स्ट्रिप्स में कटवा लिया था इस तरह से इसके अंदर मैंने रहा था पेपरिका पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर सॉल्ट और लेमन जूस से मैंने इसको मैरिनेट किया दैट्स इट ठीक है ये हो गया अच्छा इसके बाद इसका एक बनेगा ऑरेंज सॉस जो ऑरेंज स्टीन होता है ठीक है उसमें हमें फ्रेश ऑरेंज जूस चाहिए वन कप और अगर फ्रेश नहीं है तो आप लोग किसी भी ब्रांड uh, का ले सकते हैं अच्छा इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची चाहिए साबुत लहसन कुटावा चाहिए लाइक चौक हरा धनिया है ब्लैक पेपर पाउडर है पेपरूरी का पाउडर है मस्टर्ड पेस्ट है ब्राउन शुगर है और नमक है ठीक है अच्छा इसके बैटर के लिए मैंने इसमें एक कप मैदा लिया है थ्री टेबल स्पून इसमें जाएगा कॉर्न और टू टेबल स्पून इसमें जाएगा राइस फ्लावर जो चावल का आटा होता है उसका मैं बैटर बनाऊंगी और चिकन का जो मैरिनेटेड चिकन है उसमें मैं इसमें मतलब डिप करूंगी उसके बाद मैंने ये वर्मिस्ली इस तरह से मैंने इसका ये बनाया हुआ क्रम तो इसके अंदर हम रैप करके इसको डीप फ्राई कर लेंगे बड़ा अच्छा आइडिया वैसे ब्रेड क्रम्स की जगह का इस्तेमाल। आएगा। आएगा। खाएंगे उनको बड़ा मजा आएगा <laughs> 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 अवतार में नहीं अवतार में जो लोग खाएंगे हम तो नहीं खाते सेविया भाई कल खाएंगे इनशाला कल हमारा चिडे होगा जी तो हम यहाँ पे बड़ी मजे की बातें कर रहे हैं जी जी आपने भी ट्रेवल किया होगा को, कोई कोई मजे का वाक्य है आपका ऐसा कि एक बिल्कुल ही कोई रैंडम स्ट्रेंजर जिससे आपकी मुलाकात हुई हो और उसने कोई बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव किया हो जब मैं एम्स्टरडेम गई थी तो क्रूज पे थी तो वहाँ अच्छा मैं नई नई उस वक्त शेफ बनी थी अच्छा हाँ तो आई टेस्टेड लॉर ऑफ लाइक उनकी कुजीन्स थी बहुत जबरदस्त था तो वट अच्छा मेरा शुरू से ही होता है मैं कहीं भी जाऊँ कोई भी वट एवर रेस्टोरेंट हो कोई भी ढाबा टाइप भी होगा तो मैं उनके किचन में घुस जाती हूँ ये मेरी आदत है तो जब मैं वहाँ पे जब मैंने खाना वाना इट वो स्थाई कुजीन आपको धक्के देकर निकालते हैं <laughs> 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 कोई निकालता नहीं है अच्छा तो खैर जब मैंने बनाया जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने सबसे पहले पूछा कि इनका वो क्या है लाइक मेन शेफ हेड शेफ कौन है तो ही वाज लाइक क्यों वो समझते कोई कोई प्रॉब्लम हो गई मैंने कहा जस्ट वो नो मीट है मुझे मिलना है

तो बस वो मेरा एक था कि वो जो उन्होंने जो वो किया मैं अंदर गई तो ही वाज जो एरोगेंट थे वो भी नॉर्मल हो गए वेरी मच फ्रेंडली अच्छा हालांकि अलग so मैं आपकी बात काटने लगा था आई हैव एक्सपीरियंस इन इटली हां कि वहाँ के जो शेफ है ना वो बहुत एरोगेंट होते हैं बहुत अच्छा सिर्फ इस बात पे एरोगेंट होते हैं हुँ. कि आप उनकी रेसिपी ऊपर नीचे ना करें एक्सैक्टली exactly. बाकी वो इतने प्यार से आपसे हाँ. बात करेंगे आप जब कहते हैं ना कि डोंट पुट दिस एंड यू नो द क्रस्ट मस्ट बी लिटिल थिकर और <laughs> तो वो कहता है यू मस्ट बी गो एंड ईट समवेयर एल्स नो थे

ये लोग ईमानदारी के, के साथ काम कर रहे हैं सो यू नो आप जब ट्रेवल करते हैं बिल्कुल आ, तो आपको इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है जानने का मौका मिलता है ग्रैटिट्यूड की बात कर रही हैं ग्रैटिट्यूड पे हम आ, अगर बात करें तो एक एक आदात ही लोगों की इस तरह से डेवलप कर दी गई है दे आर नॉट मुस्लिम्स ये हालांकि हमारा खासा है yes. मुझे yes. लगता है ये हमारा खासा है और इस खास से हम दूर हो गए तो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत ये जो हम उस दिन मुझे मैं इतफाक से टी वी पर नहीं आ रहा था मीटिंग के लिए तो बहुत रश था पीछे तो एक जगह ट्रैफिक ब्लॉक हो गया तो मैं थोड़ा सा मैंने गाड़ी आगे की तो एक गाड़ी एक खातून चला रही थी उनका कोई ग्यारह बारह साल का बच्चा भी बैठा हुआ था आगे वो बिल्कुल मेरे आगे आगे वो हॉर्न बजा रही थी उनको निकलना था तो मैंने गाड़ी रोक दी तो वो बच्चा भी शीशा खोल के ना मुझे गालियाँ दे रहा था Oh अम्मा God. भी गालियाँ दे रही थी, बच्चा भी गालियाँ दे रहा था तो मैं ऐसे मुस्कुरा oh. रहा था और मैंने उसको कहा मैंने कहा जाइए आप तो मैंने कहा इनको मैं क्या बोलूँ मतलब मैं आगे से क्या इनको बहस करूँ या इनसे आगे से मैं क्या बात करूँ तो मैंने कहा जाइए आप तो वो मतलब ये एटीट्यूड तो घबरा जाते हैं हम लोग ट्रैफिक है ओके फाइन रिलैक्स सब निकल जाएंगे फैसल शेद ने पहले भी बात की थी कि हमारे यहाँ तो ट्रैफिक के मैनर्स है ही नहीं, नहीं, नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते ये तीन लेंस हैं तो उसमें छः चल रही होती हैं तो ये जो उनका घूरना और नाराज़गी दिखाना एंगर शो करना मेरा ख्याल है हम अपने आप से बहुत नाराज़ रहते हैं हम अपने आप से आपसे हम हमेशा हंसते हैं जब कोई रोड पे इस तरह का कंपटीशन कर रहा है उसको जरूरत है नहीं आपके साथ भाग रहा है कर रहा है तो हम हमेशा हंस के कहते हैं कहते यार ये बहुत नाराज़ है इसको बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत है <laughs> बेसिकली जो हम इस पूरे तो मतलब तो हम, अपने, <laughs> आप हम अपने, हैं। आप अपने, अपने, अपने आप से बहुत कहते हैं बेचारा परेशान है ये एंगर अपना ट्रैफिक ये भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन बेसिकली जो हम हमारे माशरे में स्ट्रेसेस बहुत है जो हम मरियम से भी बात कर रहे थे अभी ने ने खुद नहीं क्रिएट हैं uh, uh, लेकिन जो इस वक्त हम कंपटीशन की दौड़ में निकल गए छोटी सी एक इनकम होती है हमें मोबाइल फोन भी हाईफाई चाहिए गाड़ी भी बाहर बड़ी खड़ी हो कपड़े भी ब्रांडेड पहने हो पॉसिबल नहीं होता एक आम आदमी की तनख्वाह में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है

मेहनत करके आप हासिल करते हैं तो उसका एक मेहनत और, और, और कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी एक है एक तो इंडिविजुअल मेहनत है आजकल एक इंडिविजुअल से घर नहीं चल सकता तो आपको एक कलेक्टिव मेहनत बहुत जरूरी है हाँ। हाँ। आपको लोगों के साथ जो आपके सिबलिंग्स रहते हैं चाहे वो आपकी बहनें हो आपका भाई हो आपकी मदर हो या सबको एक कलेक्टिव एफर्ट करना चाहिए फॉर बेटर लिविंग के लिए तो शायद हम कुछ बेहतरी बेहतरी की तरफ आ जाएं और ये जो नाराज़गी हमें अपने आप से ओबियसली जैसे हम बात कर रहे हैं अगर आप सारा वर्ष कचरा चारों तरफ देख रहे हैं एक 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 मैसी सा शहर हो रहा है तो वो देख के भी आपको मूड खराब हो जाता है अगर आप बाहर जाते हैं आप देखें क्लीन रोड्स होती हैं ग्रीन क्लीन आप कुछ भी नहीं करें वो देख के आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है तो हम जो रिपीटेडली बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बना लें अपनी चीजों को इम्प्रूव कर दें उससे भी हम बहुत सारी चीजर आप आखिर में लोग आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं नेचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त हीलर है अल्लाह ताला ने जो मिट्टी है ना उसमें जो सॉयल है पत्ते उसकी जो स्मेल है उसमें भी एक ऐसी खासियत रखी है कि जब आप उसमें हाथ से मिट्टी से खेलते हैं या कुछ जैसे पोट पोट्री बनाते हैं लोग या जो गार्डनिंग करते हैं आप कहते हैं ना अक्सर कोई स्ट्रेस में ज़्यादा तो कहते हैं गार्डनिंग करना शुरू कर दो उसमें एक नेचुरल ऐसी चीज़ है जो आपके हारमोन को लिफ्टअप करता है यानी कि दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर जो आपकी लाइटअप करता है और फिर वही वाली फीलिंग होती है तो इमेजिन अल्लाह ताला ने हमारी हर चीज़ में

तो आप जब घर से निकले पॉजिटिव सोच पॉजिटिव एनर्जीज लेके निकले कि आपको मतलब जहाँ भी जा रहे हैं आप उनको अच्छी फीलिंग दे सकें अच्छी फीलिंग के साथ जाया करें क्योंकि हर कोई स्ट्रेस है हर कोई जिस जहाँ भी जो भी मुझसे मिलता है कहता है स्ट्रेस को कैसे करें हाउ डू यू स्माइल तो मैं कहती हूँ इतना सोचे जब आप रोज़ सुबह उठते हैं आपको सांस आ रही है ना आप देख सक रहे हैं सूंघ सक रहे हैं बोल सक रहे हैं ये नेमत है अल्लाह की इसके लिए आप शुक्र अदा करें शुक्र गुजारी जब बिग नेमत और उसी से वही फीलिंग्स हैं जैसे कि स्माइल से हैं

थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आप यहाँ पे थैंक यू सो मच मैम आज हमारी ग्लोबल वार्मिंग रह गई पब्लिक वार्मिंग ज्यादा हो गई <laughs> हमने मैसेज दिया <laughs> ना कि अगर आपकी इन्वायरमेंट आपके आसपास अच्छी है तो आप automatically अच्छा फील करेंगे, तो अच्छा करेंगे। उसको contribute करें। और अभी खाना बन रहा है मेरे ख्याल से महकती गलियों के बीच में ही हम देख लेंगे कि क्या क्या बना है so, फिलहाल छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं देखते रहिए है हमारा ये प्रोग्राम मैं प्यारे प्यारे बच्चों को खुशामदेद कहता हूँ आज भी माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ नए चेहरे भी हैं आज आप में से रोजा किस किसका है भाई मेरा। अब भी तो तुम बाहर बैठी भी खा रही थी वो पता नहीं क्या था वो चॉकलेट वगैरह टाइप की चीज थी वो खा रही थी अब आपका नाम अब्दुल गौरी साहब कैसे हैं आप ठीक ठाक है आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं ठीक है आपने अमामा भी सर पे पहना पे है और प्यारा सही है आपने झुब्बा भी पहना हुआ है बहुत प्यारे लग रहे हैं आप कुछ सुनाएंगे आप हमें जी सुनाइए जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज है बेटा आपका माशा आपको कामयाब करे आपका नाम क्या है मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा भाई आप बड़े डाउन डाउन लग रहे हैं क्या हुआ रोजा लग रहा है हैं? स्कूल गए थे आज नहीं नहीं गए तो ऐसे डाउन डाउन क्यों हुआ हो जाता है कभी कभी है ना तो अभी सो जाना थोड़ी देर नमाज पढ़ के बस सो जाओ फिर ठीक है क्या सुना रहे हो

हैं, क्या कह रहे हैं हाँ सुनाए 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 ना सुना दे क्या हुआ अम्मा छोड़ के चली गई कहा है? अब्बा कहा जॉब पे गए और आप यहाँ गए अब्बा को बताया था गुड बॉय वेरी गुड बॉय आपका नाम क्या है मुर्त्तबाक दादी का मोहम्मद अली मोहम्मद अली मोहम्मद अली मोहम्मद अली है ना बहुत प्यारे हैं आप आपको पता है ना हैं कह रहे हैं, हाँ मुझे पता है बाइक देंगे आप अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ आप कहना चाहते हैं क्या कहिए है? को पाकिस्तानी हो बोलो पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी हो अकल करो अकल करो करो इंसान बनो इंसान बनो अपने मुल्क की अपने मुल्क की कदर करो कदर करो आमीन आमीन हाँ आपका नाम क्या है वायना हसन वायना आपको कुछ सुना रही हैं जी सुनाइए अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फासलो को तकल्लुफ है हम, है हम, हम से, से अगर बे बस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं कुछ बड़ा मजे का आज बन गया है यहाँ पे वैसे तो हर रोज ही बनता है लेकिन आज कुछ और भी मजे का है क्या है अरे वाह शक्ल देखिए जरा थोड़ा सा समप कर दें फिर आप इसको एंड कर दें बता दें कि क्या क्या बनाया आपने कैसे बनाया मैंने ये बनाया है वर्मेसली रैप्ट चिकन टेंडर्स मतलब वर्मिस्ली सवै में रैप करके इसको मैंने मैरिनेट किया था लाइक पेपरिका पाउडर में लहसुन में नमक काली मिर्च और थोड़ा सा लेमन जूस और वो थोड़ा सा गार्लिक सॉस डाल दिया था मैंने मैरिनेट किया उसके बाद मैंने मैदा लिया राइस फ्लावर लिया कॉर्न फ्लावर लिया

ठीक कैसे हो सकता है तो है ना वो सो गए और फिर उसके बाद है ना जब वो उठे तो फिर तो फिर उन्होंने देखा कि उनका लंच जो था ना वो बिल्कुल सही था और है ना अल्लाह ताला उनसे पूछने लग गए कि उनको सोते सोते कितना अरसा हो गया है तो फिर उन्होंने कहा था कि है ना एक या दो दिन हो गए होंगे लेकिन है ना अल्लाह तह ने कहा कि नहीं उनको ना पूरे सौ साल गुजर चुके हैं तो और उनका है ना उनका जो घड़ा था ना उसकी सिर्फ हड्डियां ही बची थी जी और पैसे देके भेजा था ताकि पता चल सके कि वक्त कितना चेंज हो जी जी अस्सलाम वालेकुम आपका नाम क्या है मुश्क मुश्क, मुश्क। हाँ, बोल रही हैं आप हाँ। मुश्क आप मुस्कुराती बहुत प्यारा है हाँ। जरा हंस के दिखाएं जब मुस्कुरा के दिखाएं प्यारी सी हाँ। मुस्कुराट दें आप कुछ बताएंगी हमें हां क्या मैं नाने जी होती मैं मम्मी से सगुती अच्छा कुछ শুনিया है लेकिन मजा बहुत आया जी अभी मामा से पाल कहती है उसे किसी देती है मामा मामा किसी देती हैं हाँ चलो गुड है आपको पता है ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा मेट्रो की तरफ से थैंक यू बोले ठीक है थैंक यू जी तो आप अब बताइए आप क्या सुना रही हैं हमें बाजी भाई पहले मेरा जी बाजी क्या सुना रही हैं आप हमें बस मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ आप अपनी बात कीजिए आप आपको कोई मना नहीं कर सकता कैसे हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र <laughs> अच्छा आपको कल का चैलेंज याद है चैलेंज हाँ। कल कौन सा चैलेंज दिया था आपने मुझे ये आपने बोला था अगर मैं पिज्जा खाऊंगी आप मुझे पाँच हजार और साथ में आईडी देंगे आप शाम में आई नहीं आप डर के भाग गई तो आज तो आज मंगवा दे पिज्जा और साथ में पाँच हजार मेरे यहाँ सामने रखे ताकि मुझे यकीन हो कि आपने छत बोला है भाई बड़ा वाला पिज्जा मंगवाओ भाई पाँच पाँच हजार की शर्त लग गई है अगर आप झूठ बोला तो मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपने पूरा पिज्जा खाना है लेकिन सही हो जाएगा हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा चलो देखते हैं आज शाम में देखते हैं ठीक है आपका नाम क्या है पूछें अगर एक घोड़ा ना तो उसको चांद तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे एक घोड़ा है उसको चांद तक पहुंचने कैसे वो तो रॉकेट में बैठ के जाएगा ना रॉकेट में नहीं फिर तो रॉकेट में बैठ के जाएगा वो रॉकेट में बैठ के नहीं ऐसे भागते हुए कैसे जाएगा चांद तक ये बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल है आप मुझे बोले जी ये कैसे जाएगा भाई घोड़ा चांद तक घोड़ा पहुंच जाएगा चांद तक हम पाकिस्तानी ना यहाँ आपस में लड़ते रहेंगे कितना टाइम लगेगा बताओ मैं हार गया दस साल लगेंगे दस साल लगेंगे कि तू जाएगा कैसे ये बताओ भागता हुआ? भा। डगड़क, डगड़क, डगड़क 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 ऐसे वाह 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 ठीक वा। है बहुत दूर की लाई है ये आपका नाम क्या है वाम सलाम कैसे आप बिल्कुल ठीक ठाक हाँ कुछ कान में बोल के गई है जिसकी आवाज उसकी बहन को भी नहीं आई है जी आप क्या सुना रही हैं मैं हमें सुनाइए या मन फी कल रहमतुल्लिनास या मन ये वाला लो या उधर आगे दे दो माइक हां सुनाओ सुनाओ बेटा या मन फी कल रहमतुल्लिनास या मन फी कल रहमतुल्लिनास या मन अलफ तकलुबना बिल इस्लाम يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله يا أمي وهبي ف فسب فيا بس चलो खैर हो जाता है आपका नाम क्या है सुंदर आप क्या सुना रही हैं नात सुनाइए हमने मामा के पास जाना इधर आओ मैं छोड़ के आता हूँ आ जाओ मैं छोड़ के आऊँगा मैं झूठ नहीं कह रहा है हैं वहां किसके पास जाना है मामा के पास मामा के पास जाना है अच्छा आज। तो आप सुनाओ सुनाओ आप सुनाओ मैं इन दोनों को मामा हूँ के पास छोड़ के आता हूँ। आओ आता। जी बेटा पढ़ो 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 या मन से तभी कुल लंबीया يا من في قلبك رحمه للناس يا من الفت قلوب بالاسلام يا حبيبي يا شافي يا رسول الله بامي وابي فطيتك سيدي صلاه وسلام अलैका या नबी हबीबिया यार मोहम्मद या रहमत लिल आलमीन या मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इनको दीजिए तो तो सलाम अलैकुम वालेकुम वा अस्सलाम क्या नाम है आपका हमजा हमजा भाई क्या सुना रहे हैं मैं नाच सुनाऊंगा सुनाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कला में इलाही दिया जिसने लाकर कला में इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं बड़े

जिसने लाकर कला में इलाही दिया वो मोहम्मद मौजूद सुबह अल्लाह अल्लाह आगे दीजिए जी एक आप सवाल पूछिए कुछ अबे भाई ये मुझे इम्तिहान के कटहरे में क्यों खड़ा कर देती है पूछें अगर एक इंसान आएगा ठीक है ना एक, एक, एक इंसान उसके और वो और उसके पास लाइट लाइट लग रही होगी इसको क्या आएगा बिल एक इंसान होगा उसके पास लाइट लग रही होगी तो बिल्ली आएगा ना लाइट नहीं भी लग रही होगी तब भी बिल आएगा बेटा नहीं आ? दि दिमाग में उसके उसके सर में न, है ना डेंट आएगा हैं उसके सर में डेंट आएगा डेंट आएगा नहीं डेंट आएगा हो दर्द होगा हाँ जी क्यों लाइट इसलिए वो लाइट को देख रहा है ना अच्छा

ما أغنى عنه مالول وما قصب سيسلى نارا تلعب وعمراته عمالة العتب في جيدها عبل مسد صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. आप सबका यहाँ पर आने का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ थैंक यू सो मच आप सब यहाँ पे आते हैं प्यारी प्यारी बातें करते हैं नात रसूल मकबूल सुनाते हैं तिलावत सुनाते हैं मज़े मजे के सवाल करते हैं और मज़े मजे की बातें करते हैं आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है जब भी बच्चे यहाँ पे आते हैं रोज़ आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करना लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे साथ कुछ डिबेटर्स होंगे और हमारे जज साहिबान होंगे ये सिलसिला है आ, मुझे कुछ कहना है और जेर जबर का आ, हम फिलहाल छोटी सी एक ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक से वापस आते हैं जी वालेकुम आप सबको खुश आमदेद कहते हैं मुझे कुछ कहना है हमारा सेगमेंट जिसमें होती है जबरदस्त तकरीर और हमारे जज साहिबान यहाँ पे मौजूद हैं आश जी आपको हम खुश आमद कहते हैं तलाबाई आपको भी खुश आमद कहते हैं शहबाज साहब आपको भी खुश आमदेद कहते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों अपनी अपनी जगह पे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं साथ में आप स्पीचेस भी देती हैं फिर हमारे इंजीनियर साहब जो हैं बड़ा मशहूर नाम है जी कराची में जब भी हम बात करते हैं स्पीचेस के हवाले से और शहबाज साहब लॉयर भी हैं प्रोफेशनली लेकिन साथ साथ आ, बड़े मुकाबले जीतने के बाद आज इस मनसब पे मौजूद हैं तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को जब भी हम ये देखते हैं तो कल आने वाले वक्त में यहाँ का कोई बच्चा भी इस तरह से आ, बैठ सकता है और वो रिप्लेस कर सकता है आ, मेरे साथ आज यहाँ पे भी आ, तीन बच्चे मौजूद हैं आज का मौजू भी बड़ा ज़बरदस्त है तालीम सिखाती है जीने का सलीक़ा और आ, ये जब बच्चे यहाँ पर आते हैं तो इनाम जो है वो भी इनको दिए जाते हैं लेकिन जो हमारे फ़ाइनल विनर होंगे उनके लिए ओ सी की जानब से बाइक भी मौजूद है एल ई डी भी मौजूद हैं और बहुत सारे तहिफ होंगे ओ सी डेवलपर्स क्रिएटिंग एक्सेप्शनल स्पेसेस दैट इंस्पायर एंड एलिवेट ओ सी के गिफ्ट हेम्पर भी जाते हैं यहाँ से फोटाइल के जो गिफ्ट हैं वो भी जाते हैं और ख़ालिद स्वीट्स के जो गिफ्ट हैं वो भी जाते हैं Uh, मुझे याद है लास्ट खाली स्वीट ने बड़े ज़बरदस्त तोहफे मेरे लिए भी, भी भिजवाए थे थैंक यू वंस अगेन सो सबसे पहले हम यहाँ पे द स्मार्ट स्कूल हाला न्यू uh, जो कि भिटशाह के पास है ालिबा uh, मीसम अब्बास साहब उनको यहाँ बुलाएँगे बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं uh, मीसम यू ऑल द बेस्ट ठीक है जी सो so, बस्म करें बिल्कुल जी जो तालीम और इलम की अहमियत को जानते हैं वो अपनी जहनीत से जीने का सलीका सिखा जाते हैं सदर अली वकार आज से 1400 साल पहले जब मैं अपने आप को तारीख की गहराइयों में ले जाता हूं तो क्या देखता हूँ हर तरफ जहालत ही जहालत है ना बैठने का सलीका है ना उठने का ना जीने का सलीका है ना मरने का ना खाने का सलीका है ना पीने का अब रहा और अबू जहल जैसे अफराद हुरानी कर रहे हैं मैं ऐसे अफराद देखता हूँ जो जो मैं ऐसे अफराद देखता हूँ जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं ऐसे अफराद देखता हूँ जो बीस जो चालीस चालीस अफराद कत्ल कर देते हैं ऐसे अफराद देखता हूँ जो खाना क़बा की दीवार पर खाहिशा अशार टांग जाते हैं कि रहमत परवर दिगार आलम जलाल में आती है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सरजमीन अरब पर भेजती है और मोहम्मद मुस्तफ़ा की तालीम और तरबियत ये कमाल दिखाती है कि यही लोग जो अपनी बेटियों को दफन करते थे बेटियों की तज़ीम में खड़े होने लगे यही लोग जो अपने जो चालीस चालीस अफराद कत्ल कर देते थे वही इस्लाम के अजीम मकसद के लिए जाने कुर्बान करने लगे यही लोग यही लोग जो इतने बेहया और फाहाशी से भरे हुए थे यही लोग जब यहाँ पर रसूल मक्रम की तलीमत के बाद यही लोग बड़े आकिल हो जाते हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की ये मेहनतें देखकर मैं ये कह उठता हूँ कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका सदर अली वक़ार ये तालीम ही तो है यही तालीम है कि वही का आगाज लफ्ज इकरा से हुआ यही तालीम है कि जाबिर बिन हयान को बाबा कीमिया बना दिया गया यही तालीम है कि

तालीम का सही इस्तेमाल करना होगा हमें हक को हक बातिल को बातिल कहना होगा हमें सच को सच और झूठ को झूठ कहना होगा हमें इसराइल को इसराइल को ललकारना होगा और फलस्तीन को फलस्तीन का बनना होगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी आगे बढ़ेंगे हदीरा मखदूम है मेट्रोपॉलिटन एकेडमी से सही मैंने बोला चल बि, बिस्मिल्लाह करेंगे आ, जी three, two, one, जी वन गो इजाजत है चुनावे वाला मंजर पर निगाह फरमाइए दो हज़ार चार है जहालत की तारीखी है मगर ये कौन है जो इस जहालत के मैदान में रोशनी बनकर उभर रहा है कौन है जो इस कह ज़दा माशरे में तरक्की ला रहा है कौन है जो इन जाहिल लोगों को सलीका सिखा रहा है फिर एक सदा बुलंद होती है ये नौ साल कम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरफा करीम है जो गूगल की दुनिया में नाम कमा कर एक कायम करती है जनाबे वाला अगला मंजर गौर फरमाइए। है चहालत की तारीकी है मगर एक चिराग फिर से उभर रहा है सवाल होता है कौन है जो इस कह जदा माशरे में तरक्की बढ़ा रहा है कौन है जो इन जाहिल लोगों को सलीका सिखा रहा है जनाबे वाला फिर एक सदा बुलंद होती है ये पाकिस्तानी एक गांव की शाफी का इकबाल है जो गूगल की दुनिया में नाम कमाकर ये सदा देती है तालीम सिखाती है जीने का सलीका जनाबे वाला मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुलमत होगा पाला मुझे फिक्रे अमने आलम तुझे तेरी जात का गम मैं तुलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला है चुनावे वाला जब तालीम के अलमबरदार चांद पर कदम रखते हैं तो सवाल होता है माजरा क्या है जवाब मिलता है इंसान जीने का सलीका सीख रहा है जब तालीम के अलमबरदार ज़मीन की गहराई में कदम रखते हैं तो सवाल होता है माजरा क्या है जवाब मिलता है इंसान जीने का सलीका सीख रहा है चिनावे वाला जब तालीम के अलमबरदार एटम बम बनाते हैं तो सवाल होता है माजरा क्या है जवाब मिलता है इंसान जीने का सलीका सीख रहा है चनाबे वाला हम वो कौम हैं जो एटम बन ब, एटम बम बनाकर अपनी कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं हम वो कौम हैं जो अगर थॉमस एडिसन बने तो कई नाकामी अपने मुकद्दर में लिखने के बाद तालीम का सिखाने का पैगाम देते हैं जनाबे वाला जब अपना काफिला अजमो यकीन से निकलेगा जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा ए वतन की मिट्टी मुझे एड़िया रगड़ दे मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा चश्मा यहीं से निकलेगा शुक्रिया थैंक यू थैंक यू सो मच ख्वाजा साद हैं जी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से आपको भी हम खुश कहते हैं तारीख़ अपने दामन में तहजीब इंसानी के ूजो जवाल की कई दास्तान समेट बैठी है सदर आली वकार के औलाद आदम के ूजो जवाल का तस्करा हो या इंसानी इर्तका का तस्करा हसूल तालीम के मुशाहे के बजज़ कभी मुमकिन नहीं हुआ करता कि जब नए बशर तालीम के समंदर में होता की कायल हो तो फिर चाहे फलसफा हो या साइंसी ूम तारीख कायन हो या इल्मो हुनर, तालीम ही हमें इन तमाम उलूम के जरिए जीने का सलीका सिखाती आई है क्योंकि तालीम अगर हमें जीने का सलीका ना सिखाती तो इस्लामी फलसफे की दुनिया में अल्लामा इकबाल जैसे अजीम मुफक् ना पाए जाते तालीम अगर हमें जीने का सलीका ना सिखाई जाती तो हमें विलियम कैम्पो जैसे मशहूर माहिर तालीम ना दिखते जो एमज़ोन रिवर के करीब पाए जाने वाले कबाइल में भी तालीम को आम न करते तालीम अगर जीने का सलीका ना सिखाती तो रजिया के बावजूद तो मौजूद ना होते बल्कि माजी में पाए जाने वाली अकवाम की तरह जंगलात में मादूम हो चुके होते तालीम अगर जीने का सलीका ना सिखाती तो रियाजियात फल्कियात जुग्राफिया की दुनिया में तित की दुनिया में और साइंसी दुनिया में जाबिर बिन हयान ना पाए जाते तालीम ही तो है जनाबे वाला जो हमें फिक्र आगाही फराम करती है तालीम हमें एक नई सोच फराम करती है तालीम ही की बदौलत हम तहकीकात और इजादात कर पाते हैं तालीम ही की बदौलत हम एहतराम अखलाकिया टेक्नोलॉजी कायम करने की तसरूफ नजर आते हैं और यह सदा लगाते हैं मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुलमतों का पाला मुझे फिक्र अमने आलम तुझे अपनी जात का गम मैं तुलु हो रहा हूं तू हरूप होने वाला मैं तुलु हो रहा हूं तू हरूप होने वाला क्योंकि याद रखें तालीम सिखाती है जीने का सलीका सुबह अल्लाह जी भाई आजें, आजें, आ जाए तीनों आ जाए मीसम हदीरा और फैज साहब आप यहीं रहिए जी, जी।, जी। आज की साहबान हाँ आज की तकरीर बहुत अच्छी थी और लेकिन यह है कि तैयारी की थोड़ी कमी हमें नज़र आई आ, हदीरा आपकी अगर हम बात करें तो आपने कहा कि एक नौ साल बच्ची अरफा करीम जिसने गूगल की दुनिया में अपना नाम बना दिया हालांकि वो गूगल की दुनिया में नहीं थे वो माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में थी पहली बात दूसरी बात आपने कहा कि हम <coughs> वो कौम हैं कि जो थॉमस एडिसन की सूरत कई मरतबा नाकाम तो हम वो कॉम अब आप पहले अपनी कौम के लोगों की यानी पाकिस्तान के लोगों की बात कर रही थी और फिर आपने कहा कि हम वो कौम है जो थॉमस था, एडिसन की सूरत तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि ये बात गलत है अच्छा फिर आपने जो बंद पड़ा आखिर में जाते हुए ए, उसमें भी गलती थी लेकिन चूँकि खादा ख्वाजा साद दोबारा आए उन्होंने भी अपनी तकरीर में उसको पढ़ा तो स्क्रीन पर तसी हो गई है तो मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है बाकी ये है कि आप मिसा मायन तो शहबाज भाई चूंकि इंटीरियर में एक बहुत बड़ा नाम है तकरीरी मुकाबले में तो आपके अंदाज़ में इनका अंदाज झलक रहा था जो कि एक अच्छी बात भी है लेकिन क्या ही अच्छा हो कि मकरर अपना अंदाज रखे तो बहुत अच्छा रहा ख्वाजा साद आपने अपनी तकरीर का आगाज़ मनती पहलू से किया और हम तमाम मुक्रीन को यह बता दें कि जब आपके पास मौजू दे दिया जाता है तो मनती पहलू फ़लसफिया पहलू समाजियात ठीक है इसके अलावा मीशत तो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर आप अपनी तकरीर तैयार करेंगे तो आपका मवाद बहुत बेहतरीन होगा और आपने आखिरी में बस आखिरी बात यह कि आपने आखिरी में कहा कि टिप की दुनिया में आपने साइंटिस्ट का नाम लिया मैथ्स की दुनिया में अलखवारजमी का नाम लिया फिर आपने कहा कि साइंस की दुनिया में जाबिर बिन हयाान अगर आप कह देते केमिया की दुनिया में जाबिर बिन हयाान फादर ऑफ केमस्ट्री तो वो और ज़्यादा मुनासिब होता बहरहाल बहुत अच्छी तकरीर की और आप लोगों में मुझे मुस्कबिल के पब्लिक इस्पीकर्स नज़र आ रहे हैं जी आयशा तीनों मुकर्रीन की तकारी बहुत अच्छी थी बहुत जाम कलाम था उसमें मीसम थोड़ा सा घबराए थे आते हुए और अच्छा एक चीज़ मैं सबसे ये कहना चाहूँगी जितने भी यहाँ पर मुकर्रीन आने वाले हैं जज जैसे ही क़लम उठाता है वो उन बच्चों के लफ्ज़ इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं तो कोशिश किया करें और मीसम के साथ गालिबा ऐसा ही हुआ कि जैसे ही इन्होंने क़लम उठाया सलाह ने तो वो लफ्ज़ जो है वो आपके इधर उधर होने लगे तो आपके इर्द गिर्द कुछ भी होता है बजर हो रहा है उन तमाम चीज़ों को एक वक्त के लिए थोड़ा सा आपको साइड पर करके अपनी तकरीर को मुकम्मल करना होगा ख्वाजा साहद की तकरीर बहुत उम्दा थी बहुत अच्छा अंदाज गुफ्तु था हदीरा ने बहुत अच्छी कोशिश की अख़ीर जो अशार आपने पढ़े मुझे लगा कि उसका ताल्लुक शायद तकरीर से इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं था जी तो सबसे पहले जो हमारे मकर आए मीसम अब्बास उनका अंदाज़ अच्छा है बस मैं ये कहना चाहूँगा कि तलफ़ पर काम करें जैसे आपने आते ही इलम कहा तो सिंधी में हम इम कहते हैं लेकिन उर्दू में इसको इल्म कहा जाता है और साथ साथ आ, मैं बात करूँ तैयारी की तो तैयारी इस्पेशली आपकी अच्छी होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम इन शाला साथ, साथ जो हमारी आ, एक और मकर हदीरा मखदूम आई तो उन, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जब आवाज़ का उतार चढ़ाव है ना वो आप बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक जंप जाता है ना तो थोड़ा सुनने में चुपता है यहाँ से आप दूसरे स्टेप पे आए फिर तीसरे स्टेप पे आए फिर चौथे स्टेप पे तो अच्छा लगेगा सुनने वालों को भी तो इस पर भी काम करें आवाज़ के उतार चढ़ाव पर साध की तकरीर मवाद बॉडी लैंग्वेज प्रोनासीशन सब बेस्ट है माशाल्लाह तो आज जो हमारे साथ सेकंड राउंड में या क्वार्टर फाइनल के लिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो सात हैं और सेकंड पोजीशन पर हमारे पास हदीरा मखदूम है और थर्ड पर इसी तरह मीसम क्योंकि तैयारी पर थोड़ा काम करना है जी हाँ और ये जो आप आवाज़ की बात कर रहे थे ना इस पर चूँकि हमारा तो खैर काम ही है तो वो उसको थोड़ा सा ना बना के रखना पड़ता है उसको तोड़ते नहीं हैं अगर हम जैसे कोई बात कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए ज़िंदगी में ये जो कुछ भी है जब इस पे काम किया जाता है तो यहाँ से अगर आपने तोड़ के उठाया तो वो सुनने में बुरा लगेगा ऐसा ही उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उठा के लेके जाते जाएंगे तो वो बहुत अच्छा वही चीज़ बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है सो so उस पर भी थोड़ा सा ऑब्वियसली ग्रीनस पे काम करना पड़ता है सीने पे काम करना पड़ता है उसकी काफ़ी प्रैक्टिस होती है बट आप लोगों के साथ भाई आज के जो विनर हैं आपके साथ फोटाइल का तोहफा जा रहा है भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो ओ सी डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट हम पर हज़ीरा आपके साथ है राइजिंग बियॉन्ड ये आपके साथ जाएगा और खाले स्वीट्स की तरफ से ये जो तोहफा है ये मैं ले लूँ ऐसे ले नहीं जी आप ले लें इतने दूर से आप आए फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक है ब्रेक से वापस आते हैं तो जेर जबर शुरू करते हैं अल्लाम आप सबको खुश आमद कहता हूँ जेर जबर का सिलसिला शुरू हो चुका है पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पे ज़्यारमान है असल आपको खुश आमदेद कहते हैं आयशा मोइी ने हमारे साथ असल और अब्दुल बासित है आपको भी खुश आमदेद कहते हैं एक दफ़ा घंटियाँ चेक कर लें ज़रा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा घंटी बजा के आप लोग इंतज़ार करेंगे हमारे जजेस बताएंगे कि किसने घंटी बजाई है क्योंकि मैं नीचे देख रहा होता हूँ थोड़ा सा मसला हो जाता है पहला बजर राउंड है उसके बाद पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और उसके बाद हम रैपिड फायर की तरफ जाएंगे तो पहले बजर पे प्लस भी है और माइनस भी है तो शुरू करने जा रहे हैं बजर राउंड उन्नीस के आयन में उर्दू के अलावा और कौन सी जुबान बी क्या जी तो जिसे सरकारी तौर पे किया गया था बंगाली थी बिल्कुल सही जवाब कोह सफा के दामन में किस साहबी का घर था जहां साहबा कराम तबलीख इस्लाम के लिए जमा होते थे कौन है बी बी

फाइव फोर है आता है थोड़ा सा अच्छा मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको सोलह अक्टूबर उन्नीस सितंबर या बीस नवम्बर कौन है बी बी नाइनटीन सेप्टेम्बर बिल्कुल सही नाइनटीन 19 सेप्टेम्बर नाइनटीन सिक्सटी खुफिया दावत के कितने साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया पांच साल दो साल तीन साल जी सी तीन साल बिल्कुल सही जवाब एल पी डब्ल्यू किन अल्फाज का सी विकेट बिल्कुल तो सही जवाब एच ई सी किन अल्फाज कम बी बी हायर एजुकेशन कमीशन बिल्कुल सही जवाब सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह का नाम बताइए मोहम्मद बिन सलमान सलमान बिन अब्दुल, अब्दुल, अब्दुल अजीज गलत हो गया। शेर मुकम्मल कीजिएगा वक्त अच्छा भी आएगा नासिर वक्त अच्छा भी आएगा नासिर गम न कर जिंदगी पड़ी, पड़ी है अभी इस शेर के जी नासिर काज़मी बिल्कुल सही जवाब दिमाग चल रहा लड़की का <laughs> सूरह असर में अल्लाह ताला ने किस चीज की ए, ए।, ए। जवाब पाकिस्तान में हालिया आम इंत आठ अक्टूबर आठ मैं बता दूंगा मैं बता दूंगा आप मत बोले गलत हुआ है आठ फरवरी दो हजार चौबीस किस पाकिस्तानी खातून फिल्म मेकर को ऑस्कर अवार्ड मिला शर्मी ने बैठ चुना है के एस ए किन अल्फाज का मुखफ है KSA. दो का पता है KSA, हाँ, बाकी क्यों किंगडम सऊदी अरबिया बिल्कुल सही जवाब वादिया इस्लाम कब्रिस्तान किस शहर में है वादिया इस्लाम, इस्लाम कब्रिस्तान किस शहर में है सलाम नजफ आगे बढ़ेंगे पहले आपसे तीन तस्वीरें हम शेयर करेंगे आप एक एक करके बताएंगे कौन सी फिर आपसे फिर आपसे जी टीम ए के लिए पहली तस्वीर दिखाइए कौन है ये साहब जी ए बताएंगे कौन है जाने पहचाने मलिक रियाज बिल्कुल सही जवाब कुछ होकर बताया इसलिए लगता प्लॉट मिल जाता <laughs> जी अगली तस्वीर सोचिए 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 शक्ल को गौर से देखिए no. मुर्तजा भुट्टो जी अगली तस्वीर ये क्या है भाई? विनस ये वीनस ही है ये वीनस है ये भाई आप अब, अब, अब से ये वीनस है ये वैसे तो जुपिटर था अब से ये वीनस हो गया जी आपकी बारी है ऐसा है है? हाँ सिमिलर है हाँ जैसे एक ही बात है सिमिलरिटीज है सही आ रही है ना कौन सा सामने नजर आ रहा है जो मर्जी बोल दो जी आपकी बारी ये टीम भी ये साहब कौन है अकील करीम बिल्कुल सही जवाब क्या बात है जी अगली तस्वीर बेनज़ीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो बे शहीद बिल्कुल जी अगली तस्वीर है बिल्कुल बिल्कुल सही तुम्हारे हिस्से में आसान आई चीजें जी आपकी पारी वैसे कॉपलर भी हो सकता है कॉपलर भी बड़ा अरीब करीब है जी ये साहब कौन है हैंड्स दे दे हैंड्स मिल जाएंगे जी हैंड्स दे दे हिंट दे दूं यार वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ पाकिस्तान बैंक भी है मुश्किल हो गया मंशा साहब निया मंशा जी अगली तस्वीर सुल्फिकार अली भुट्टो बिल्कुल सुल्फार अली भुट्टो जी नेक्स्ट पिक्चर ये क्या है सेटन सेटन सही जवाब बिल्कुल सही जी आगे बढ़ेंगे वन बाय वन रैपिड फायर सवाल समझ में ना आए ठीक है पास कर देना जरूरत नहीं है टाइम जाया करने की ओके okay. okay? एक मिनट और अगर मैं थोड़ा सा ड्रैक करूंगा तो मैं दस सेकंड ऊपर ले लूंगा पचास सेकंड है आपके पास ईरान का पुराना नाम बताइए फार, फारिस। कराची, किस, आ, कराची किस कराची किस दरिया के किनारे आबाद है किसी भी नहीं अब दरिया सिंध भाई सिक्योरिटी इधारों की इसलाह में एस एफ के अल्फाज का मुखाफ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान के पहले वजीरा खारजा कौन थे पास। खान लियाकत अली खान कुरान मजीद की कुल कितनी मंजिले हैं सात जवाब कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है यासीन जवाब हाँ। करीम की सबसे तवील सूरत का नाम बताइए बकरा बिल्कुल सही जवाब कोरोना वबा की हुई वुहान नदरलैंड के हुकूमत का नाम बताइए

आयरलैंड uh, के दौरत का नाम बताइए uh, बिल्कुल सही जवाब सलून uh, किस एशियाई मुल्क का पुराना uh, का बिल्कुल सही जवाब क्या बात है क्या बात है जी इतनी स्पीड से बोलता हूँ मेरी अपनी जबान भी लुढ़कने लगती है पाकिस्तान के पहले वजी खजाना कौन थे मैंने गुलाम मोहम्मद दुख्तर मशरक किन शख्सियत का खिताब है मोहतरमा बेनजी भुटो साहब लाहौर किस दरिया के किनारे आबाद है रावी किन साहबी का लकब है हज़रत उस्मान पुलिस की इस्लाम में डी एस पी का मुख है डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस असाजा का आलमी दिन कब मनाया जाता है पांच अक्टूबर योम फुरकान किस दिन को कहा जाता है योम बदर को दुनिया का पहला अजूबा क्या है एहराम मिस्र दुनिया का पहला कत्ल किसने किया हाबील ने बिल्कुल सही जवाब हुजूर हुजूर पाक का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था बनो हाशिम बिल्कुल सही जवाब रियाजी में आम तौर पर किस सवाल को हर करने के लिए अंग्रेजी के हर्फ को फर्ज किया जाता है बिल्कुल सही जी नहीं निज दें फारिग करें कट चुके हैं थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं कहीं मत जाइएगा जी बौला बौला सुल्णी सुल्णी जी हाँ वेलकम बैक द ब्रेक और मुकाबला आज बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कुछ दो सवालों में थोड़ी सी कंफ्यूजन रही आ, एक जो सवाल था कि पहला कत्ल किसने किया तो वो काबिल था गलती से आपने हाबिल का और शायद सुनने में कुछ गड़बड़ हुई है और उस पर भी थोड़ी बहस है, जी, उस पे आ, बहस है। लेकिन खान लियाकत अली खान और, और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हाँ। पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा के हवाले से जी, तो जी। काशिफ बता रहे थे कि उस पर बहस है बहस है उसमें दो राय है उसमें तो सवाल ही नहीं डालना चाहिए जिस पे बहस ऐसी बात ही नहीं करें बट एनी जी रिजल्ट आइए देख लेते हैं क्या है फिर उसके बाद तहफ का जो सिलसिला है वो भी शुरू कर देते हैं रिजल्ट तो टीम ए 50 पर हैं टीम सी 70 पे हैं और टीम बी 130 पर हैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत मुबारक खालिद स्वीट्स की तरफ से ये गिफ्ट हेम्पर भैया आपके साथ जाएगा आपको बहुत बहुत मुबारक हो ओजी डेवलपर्स की तरफ से ये गिफ्ट हेम्पर आपके साथ जाएगा आप बाहर आइए ऐशा, और ये एल आइए जजा जजान आए जज साहबान तमाम अशा जी आप इधर आ जाइए जी और ये है ओजी डेवलपर्स की तरफ से एल जो आज हमारी विनर है उनके साथ जाएगी और ओजी डेवलपर्स राइजिंग बियॉन्ड थैंक यू सो मच शुक्रिया आपका बहुत, बहुत ऐसे ही दांत निकले रहें बस अब आप आज दो आयशा हाँ आज दो आयशाएँ साथ हो गई हैं लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं अभी भी मुकाबला आपको थोड़ा सख्त पड़ेगा क्योंकि अभी भी जो हमारे टॉपर हैं वो 140 पर है और आप 130 पर हैं सो यू आर द सेकंड हाईएस्ट राइट नाउ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं थैंक यू सो मच हम बढ़ेंगे किचन की तरफ और आज किचन में क्या बन रहा है जनाब अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप शेफ समरीन आज भी कुछ मजे का बना रही हैं जी बिल्कुल और पता नहीं क्या चक्कर है आज ऊपर तक खुशबू आ रही है अरे <laughs> थैंक यू बहुत शुक्रिया लेकिन क्या हम डिटॉल से शुरू करें क्योंकि ऑलरेडी मेरे हाथ थोड़े से ना डर्टी डर्टी हो गए हैं डर्टी डर्टी हो गए हैं तो so, जी बिल्कुल डर्टी डर्टी हो गए हैं और आज हम आ गए हैं अगेन डिटॉल के काउंटर पे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है डिटॉल इसका स्किन इस केयर फॉर्मूला जो मैं डेली बताती हूँ कि जनाब हमें पिम्पल्स फैलाने वाले जरासीम से बिल्कुल दूर रखता है और इसकी ज़बरदस्त सी फ्रेग्रेंस आपको फ्रेश रखती है कहते हैं कि जी ब्यूटीफुल स्किन इज ऑलवेज हेल्दी स्किन तो हम इस चीज का ख्याल करते हैं और डिटॉल यूज करते हैं और आप भी किचन में जाने से पहले डिटॉल यूज किया कीजिए ये लाल लाल क्या है गाजर का ये एक सरप्राइज है और हमने आज जो रेसिपी प्लान किया ना वो बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी अच्छा है। अभी तक तो हम क्या कह रहे थे कि जनाब हम कह रहे थे कि जी हमें वो नहीं करना चाहिए बहुत ज्यादा स्पाइस नहीं खाना चाहिए और हेल्दी चीजें खानी चाहिए लेकिन मैंने सोचा कि जो स्पाइसी लवर हैं कुछ उनके लिए भी हो जाना नहीं, चाहिए नहीं, नहीं, बिल्कुल देखिए मैं कहता हूँ आप दुनिया की हर चीज खाए बिल्कुल बिल्कुल इस बात से मना नहीं करते लेकिन यह है कि अगर पहले ही आपको शिकायतें हैं जी अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या और कुछ मसाइल चल थोड़ा कंट्रोल कर ले का मतलब ये नहीं है कि पागल कंधा खाओ नहीं हम ये नहीं कह रहे मैं ये नहीं कहता अगर आप सेहतमंद हैं अल्लाह ताला ने आपको अच्छी सेहत दी है और आप बर्न आउट करते हैं आप वॉक करते हैं आप अच्छे तरीके से उसको टाइम बाई टाइम लोग अफ्तारी में जिस तरह दीवाने होते हैं उसका अंदाजा आपको भी है और हमें भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा अगर एतदाल के साथ आप हर चीज चख ले जी तो उसमें भी हो अगर आप कभी कभी खा रहे हैं तो चलता है बट इफ यूर टीन एजर यू आर आप अपनी यूथ में है तो मेरे ख्याल से उनका चूंकि यूनिवर्सिटी भी जाना है कॉलेज भी जाना है स्कूल भी जाना है खेलना भी है और भी काम चल रहे तो आप यू गाइस कैन ईट एनीथिंग और ये ये तो बच्चों energy. के लिए बहुत बहुत अट्रैक्टिव मैं देख रहा हूं अट्रैक्टिव सी चीज लग रही है थैंक यू जी हम स्टार्ट करते हैं और यही एक्चुअली सरप्राइज है ये जो अपीलिंग सा लग रहा है ना रेड रेड इसको आप वेरिएशंस में बना सकते हैं लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं एक मेन रेसिपी बताऊंगी और उसकी वेरिएशंस बताऊंगी ये हमने ली है जनाब सबरोसो की चिकन देखिए मैं हमेशा आपको बताती हूं कि इनकी जो चिकन है उसके अंदर कहीं आपको ना ब्लड क्लॉट नजर आता है इतनी हेल्दी हाइजीनिक तो होती है लेकिन उसके साथ साथ देखें कितनी नीट एंड क्लीन है सॉफ्ट और बड़ी जल्दी से कुक भी हो जाती है वैसे तो कुकन चिकन जो है बड़ी जल्दी कुक होती है बट सबरोसो की बहुत अच्छी है और फैसल आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ कि इन लोगों की जो इनका अपना बेसिकली स्लॉटर हाउस है और इसमें ज्यादातर जो है ना इनका ह्यूमन कॉन्टेक्ट नहीं होता अच्छा जी ज्यादातर चीज़ें जो है वो मशीनरीज के थ्रू हो रही होती हैं सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है लेकिन सबसे अच्छी बात जो इनकी है वो ये है कि जब वो उसको स्लॉटर करते हैं जानवर को हलाल करते हैं तो तकबीर पढ़ के वो हाथ से होता है सिर्फ अच्छा। वो प्रोसेस हाथ से होता है बाकी तमाम का मशीन से होता है ठीक है राइट अच्छा जी अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और रेसिपी के लिए हमने क्या किया है जनाब यहाँ पे हमने ली है तकरीबन आपको मैं एक किलो का बता रही हूँ क्योंकि ये वो रेसिपी है जो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं बना के ठीक है।, है जी ये हमारे पास आ गई चिकन क्यूब्स हैं एक किलो वन बाय वन के ये मैंने इसमें डाली है सराचा सॉस अब सराचा नहीं है तो परेशान नहीं हुईगा हाँ। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं चिली सॉस से ठीक है।, है।, है और चिली नहीं है तो चिली गार्लिक भी डाल सकते हैं थोड़े से मैंने ये हाफ टी स्पून आपने डालना है वन टी स्पून भर के आपने रेड चिली फ्लेक्स कुटी लाल मिर्च डालनी है पेपरिका डालनी है वन टीस्पून हर चीज़ वन वन टीस्पून है मैं कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें से प्रोसेसिंग कर चुकी हूँ वन टीस्पून स्पून सॉल्ट है हमारा ठीक है जी उसके बाद इसमें तकरीबन जाएगा टू टेबल स्पून भर के लेमन जूस राइट उसके बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी वाइट पेपर बस इसको अब हमने क्या करना है इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और मिक्स करके अब आपने इसको क्या करना है इसको मैरिनेट करके जो है ना तकरीबन ओवरनाइट छोड़ दें हर चीज़ में कहती हूँ कि अगर ओवरनाइट छोड़े ना तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर जो है ना इन्फ्यूज़ हो जाता है ठीक है जी यह आपने इसको मैरिनेट करना है इस तरह अब हम इसकी कोटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कोटिंग के लिए आपने क्या करना है जब भी आपको क्रिस्पी कोटिंग चाहिए तो उसमें आपने रेशियो ये रखना होता है कि अगर आपके पास दो हिस्से मैदा है वो लेंगे आप दो हिस्से मैदा और इसके अंदर एक हिस्सा जो है ना आपने कॉनफ्लावर डालना है ठीक है ये मेरे पास एक कप मैदा था उसमें मैंने आधा कप जो है वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया अच्छा फैसल आपने वो खाए होंगे बाहर ब्रोस्ट और ये जितने फ्राइड चीज़ें आई नो आप बहुत नहीं खाते बट कभी तो टेस्ट बिल्कुल हो खाता हूँ खाते जब, हैं जब, मौका होता है खाता हूँ अच्छा तो उसमें आप देखें जो कोटिंग होती है ना उसमें कोई फ्लेवर ही नहीं होता जो तो बिल्कुल ड्राई ड्राई सी होती है और उसमें फ़्लेवर नहीं होता तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका फ़्लेवर इन्हांस करने के लिए पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें जो है हाफ़ टी स्पून हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे इससे ये होगा कि आपकी जो कोटिंग है ना वो भी फ्लेवरफुल हो जाएगी ठीक है जी ये आपने किया अब हमारे पास तो टाइम नहीं होता तो हम इसको स्ट्रेट अभी उठाएंगे इसमें कोट करेंगे ठीक है जी कोट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि ये है हमारे पास एग इसको मैंने फेंट के रखा था इसमें भी चाहें तो आप डाल सकते हैं लेकिन क्योंकि इसमें मसाला बहुत ज्यादा है स्पाइसी है ऑलरेडी तो मैंने इसमें जो है कम डाला है अब आ जाते हैं मजे की चीज़ आप गैस करें ना फैसल ये क्या है पता नहीं क्या है लाल रेड रेड जी <laughs> कोटिंग के लिए हम <laughs> आमतौर पे यूज नाक <laughs> <laughs> में मेरे आप कंटिन्यू करें ओके जी अच्छा जी ये देखें ये क्या है जनाब हमारे पास मैं आपको दिखा देती हूँ ये आप जो बच्चे खाते हैं बड़े शौक से इनफैक्ट बड़े भी खाते हैं हमारे पास होते हैं रेड कलर के एक चिप्स होते हैं ये देखिए मैंने रखे हैं आपको दिखाने के लिए ये हैं ठीक है जी ये वाले जो चिप्स हैं <laughs> कुछ हो रहा है बिहाइंड द स्क्रीन राइट तो दिखा सके अगर कैमरा के पीछे क्या हो रहा है <laughs> <laughs> एलई उठा के लेके जा रहा था मैं हाँ। अच्छा जी ठीक है जी तो ये है हमारे पास वो रेड वाले चिप्स मैंने इनको जो है ना बस पीस लिया था और पीसने के बाद मैंने इसको जो है पीस के रखा है और मैं इसकी जो है ना कोटिंग कर रही हूँ ठीक है जी इसी तरीके से हम लेते जाएंगे और इसको कवर करेंगे पहले हमने मैदे में करना है इसको कोट मैदे में कोट करने के बाद फिर इसको हम इसको फिर, इसको फिर इसको बाद में मैदे में डालेंगे फिर हम एग भी डालेंगे और एग में डालने के बाद लास्ट में ये जो हमारे रेड वाले चिप्स होते हैं ना इसमें हम ऐड करेंगे ठीक है ये हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है खत्म ये भी अच्छा आईडिया वैसे जी जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है ठीक है जी चलें काउंटर भी हमारा क्लीन अप हो गया ऑयल जब तक हमारा गर्म हो रहा है हम इसकी कोटिंग करते रहते हैं और कोटिंग कर कर आपको दिखाते हैं यहां पे रखते जाते हैं कोटिंग करके ठीक है जी चलें ये आ गया अच्छा इसकी वेरिएशन्स का मैं आपको बता रही थी तो इसकी वेरिएशन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको अगर इतने सारे मसाले नहीं डालने और बड़ी क्विक इंस्टेंट रेसिपी चाहिए तो आप इस मसालों को रिप्लेस कर सकते हैं किसे चिकन टिक्का मसाला वो ले सकते हैं फहीता मसाला ले सकते हैं तंदूरी मसाला ले सकते हैं और अगर आपको ये लेस स्पाइस में चाहिए तो आप इसमें क्या करेंगे कि ये रेड जो हमारे चिप्स हैं इसकी बजाय आप सिंपल ब्रेड क्रम्स जैसे हम कोट करते हैं आप उसमें कोट कर सकते हैं ठीक है जी तो आप इसको इस तरीके से करके बना सकते हैं और इस पोजीशन पे लाकर आप इसको बड़े आराम से फ्रीज कर सकते हैं ये तकरीबन रह जाता है आपका फोर टू सिक्स मंथ्स रह सकता है लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर न्यूट्रेट वैल्यू जो है उसकी गज़ाइत कम <coughs> होती है फ्रोजन चीज़ों की अगर आप बार बार उसको आ, फ्रीज करते हैं और डी करते हैं तो उसके लिए ये करें कि जितना आपको वन टाइम में चाहिए सिर्फ उतने उतने पैकेट्स बनाएं ताकि जब आप उसको डी करें तो उसको स्ट्रेट अभी फिर यूज़ कर लें ठीक है जी इसको हम कोट कर रहे हैं इसका कलर जो होता है ना ये बड़ा अपीलिंग लगता है अच्छा अब हम इसको डालेंगे फ्राइंग के लिए और मीन वाइल में आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगी ठीक है जब ये फ़्राई हो जाएगा तो चलें जी हमारा काम ख़त्म हो गया इसका अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं इस इसमें भी आ जाता है वैसे फ्लेवर अगर आप स्ट्रेट अवे करते हैं तो कोई मसला नहीं होता हो जाता है फ्लेवर आ जाता है इसमें राइट अच्छा जी ये जब तक फ्राई हो रहा है आप लोगों को एक चीज़ और दिखाती हूँ कि इसकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे बेकरी uh, लैंग्वेज में जिसको कहा जाता है मांडा पट्टी राइट ये मैंने बोली है और वो बचपन में हम बनाते थे ना छोटे छोटे फैंस ऐसे करके प्लीटिंग करते थे फ़ैन प्लीटिंग आपने इसकी इस तरह फ़ैन प्लीटिंग करनी है ठीक हो गया जी इसकी फ़ैन प्लीटिंग करेंगे और यही जो हमारे चिकन बना हुआ था आपने इसका लेना है एक पीस और लेकर आपने इसको इस तरह रैप कर देना है सही है जी और ये आपके पास आ जाएगा टुथपिक या आप इसमें ऐसे इंसर्ट कर दीजिए और इंसर्ट करने के बाद आप इसको इस तरह फ्राई कर दीजिए ठीक है जी अब हम क्या करते हैं जब तक ये फ्राई हो रहा है मीन बैल हम जो है इसकी डिप बना लेते हैं बड़ी मज़ेदार सी जो डिप है वो हम बनाएंगे उस डिप के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ से लेंगे एक दस स्पून अच्छा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्पाइसी है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हम थोड़ी सी अच्छी सी जो स्वीट सी सॉस होती है ना वो बनाएंगे उसके लिए ज्यादा फैटी ना हो तो मैंने इसमें क्या किया है मैंने इसमें ले लिया है दही ठीक है आधा कप दही है मेरे पास और आधा कप मेरे पास मेयोनीज है ठीक हो गया अच्छा ये हमारा हो चुका है फ्राई इसको निकाल लेते हैं जब तक ये देखें कितना क्विक और जल्दी से ये हमारा फ्राई हो गया राइट अच्छा इसको भी हम रखते हैं नीचे जब तक ये फ्राई हो गया है अच्छा चूल्हा बंद अब आ जाइए जनाब सॉस की तरफ ठीक है जी सॉस में मैंने इसमें म्योनीस डाला दही डाला है फ्लेवर इन्हेंसर के लिए मैं इसमें वन टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर जा रहा है और इसके साथ जो इसका हीरो इंग्रेडिएंट है वो है गार्लिक मैंने इसको चॉप किया ये देखें ठीक है जी आपने इसको पिस्ता हुआ नहीं डालना और थोड़ा सा इसको मोटा रखना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ सके अब आपने इसको बस सिर्फ मिक्स मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा इसको वैसे तो सिर्फ मेो में भी बन सकता है लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया है ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना क्रीमी क्रीमी ना रहे अच्छा एक रेस्टोरेंट है फैसल आपने देखा होगा उसके फ्राइज बड़े मशहूर हैं जी जी है ना तो ये वहाँ पे बनती है ये वाली सॉस बेसिकली रेसिपी हो गई बिल्कुल जनाब हो गई हमारी रेडी रेसिपी ठीक है जी ठीक है जी ये हमने सॉस बना दी है अच्छा जी सॉस के साथ अब हम क्या करने वाले हैं कि बस अब हम इसको करेंगे दिशा और अच्छा अब थोड़े से मैं आपको इसकी प्रजेंटेशन दिखा दूँ मैंने दो तीन तरह की कोशिश की एक तो इस तरह आप रख सकते हैं प्रेजेंटेशन करके दूसरी प्रेजेंटेशन जो है उसके लिए क्योंकि हमें बच्चों को भी अपील करना है राइट तो हमने यहाँ लिया है एक बास्केट और बास्केट के बाद हमने यहाँ लिया बाइसिकल ठीक है जी इस बाइसिकल में आप इस तरह से स्कीूबर ले लें के स्टिक जो आती हैं मीडियम साइज वाली वो ले लीजिए और इसको इसमें लगा लें मल्टीपल चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हैं डेकोरेशन की आप उनको ले सकते हैं और लेने के बाद इस तरह आप इसका डिस्प्ले बना सकते हैं कैसा लग रहा है फैसल बहुत जबरदस्त है हमें ब्रेक पे जाना है मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा थैंक यू एक तो खाने मजे के होते हैं ऊपर से जो सबसे मजे की बात है वो ये होती है कि प्रेजेंटेशन इतनी जबरदस्त होती है आप यकीन बच्चे बड़े होते हैं। Thank you so much. आ, इस चीज़ से बस तो ये करेंगे करेंगे और इसके ऊपर बाद में लास्ट में हम क्या करेंगे? कि यहां पर ये जो हमारी की यहाँ पर कलर कट करने के लिए इस पे आप स्प्रिंग अनियन स्प्रिंकल कर सकते हैं या धनिया और आप इसके साथ इसको कर सकते थैंक यू सो मच मिल रहे छोटी सी ब्रेक के बाद देखते रहिए नूर रहमान Uh, मेरे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशन हेल्थ कोच uh, डॉक्टर सैयद इकराम साहब मौजूद हैं uh, जो कि एम बी बी एस फ्राम डॉ और पोस्ट ग्रेजुएट हैं फ्राम मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कैनेडा से और बड़ी अच्छी हमारी एक डिस्कशन हुई थी दो दिन पहले और uh, हमने सेहत के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन uh, की और हम काफ़ी लंबी चौड़ी बात करते रहे कि सेहतमंद लाइफ किन चार चीज़ों पर uh, 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 मतलब बेस करती है और किन चार चीज़ों से सेहतमंद लाइफ बनती है तो डॉक्टर साहब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गैर सेहतमंद लाइफ स्टाइल क्या होता है बेहतरीन सो so, सबसे पहले हम रिक के लिए मुख्तसरा बता दें कि हेल्दी लाइफ स्टाइल यानी सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी किसको कहते हैं वो चार चीज़ों जैसे आपने फरमाया चार चीज़ों से बनता है नंबर वन यानी आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए नंबर टू आपकी प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी हो मतहरिकंदगी हो आपकी सिर्फ सुस्ती काहेली का शिकार ना हो इंसान तीसरी चीज़ ख़ुराक ग़ा जो आप रोज़ाना खा रहे हैं जिसमें आपकी सोच भी है जो आप सुन रहे हैं वो भी है जो आप देख रहे हैं वो भी है और जो खा रहे हैं वो भी है और चौथी चीज़ के स्ट्रेस जहनी और जिसमानी टेंशन को स्ट्रेस को आप कितना बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं ये तो हो गया आ, हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात अब हम बात कर लेते हैं कि अनहेल्दी लाइफ स्टाइल क्या होता है कितनी तरीके से तरीक़े का होता है कितनी इकसाम का होता है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल का मतलब ये फैसल कि या तो इंसान को कोई बीमारी हो खुदा ना खास्ता डॉक्यूमेंटेड डायग्नोस बीमारी शुगर है आर्थराइटिस है या कोई भी बीमारी प्रॉब्लम है है, एक तो ये चीज है या फिर खुदा ना खास्ता उसमें कोई बुरी आदत मौजूद है वो बुरी आदत कोई भी हो सकती है यानी जो मेडिकली या इमोशनली या स्पिरिचुअली या फिजिकली उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है जैसे एडिक्शन है ठीक है सो उनकी बेसिस पे हम तीन तरह का जो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होता है वो तीन तरह का होता है ठीक है नंबर वन पहली चीज के एडिक्टिव लाइफ स्टाइल यानी इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसे माहौल में गुजार रहा है ऐसी कंपनी में गुजार रहा है या तो उसे बहुत गलत चीज़ों की बुरी लतें पड़ चुकी हैं नशे की आदत पड़ चुकी है या पढ़ने का रिस्क है ठीक है यह है एडिक्टिव लाइफ स्टाइल नंबर टू फूड यानी इंसान बेसिकली जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहा बल्कि खाने, खाने के लिए ठीक और तीसरी चीज़ जो है वो एडिक्टिव लाइफ स्टाइल के बाद जो जो फूडी है जो फूडी लाइफ स्टाइल वो हमारा जो है वो सेकंड हो गया और फिर जो हमारा तीसरा लाइफ स्टाइल है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम सीडेंट्री तो नहीं है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को उर्दू में कहते हैं गैर मुतहरिक लाइफ स्टाइल यानी अगर मैं चौबीस घंटों में सात से आठ घंटे तो सोऊंगा लेकिन जो मेरे जागने के औकातें अगर मैं उसमें फैसल छः घंटे या छः घंटे से ज़्यादा कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ और एक से डेढ़ घंटा एक्सरसाइज या वर्कआउट शामिल नहीं है मेरी जिंदगी में तो इसको कहेंगे लाइफ और, तो लाइफ भी और भी इश्यूज चल रहे हैं तो ये सारा उसमें आ जाता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल गैर मुतहर तर्ज जिंदगी में और मैं बता दूं कि वो खातन जो मुस्तकिल खासतौर पर जो, खास जो घरेलू खात होती हैं होम मेकर जो हैं हाउस वाइफ जो है अगर वो भले बच्चों के काम कर रही हैं मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हम तो बच्चों को नहला धुला रहे होते हैं स्कूल भेज रहे होते हैं खाने खिला रहे होते हैं सारी चीज़ें लेकिन एक्चुअली ये एक्सरसाइज है वर्कआउट नहीं है ये बताता चलूँ कि एक्सरसाइज और वर्कआउट में क्या फ़र्क होता है एक्सरसाइज इज़ एनी फिजिकल एक्टिविटी आपने नमाज अदा की वो भी एक्सरसाइज है आप यहाँ से चल के वहाँ गए वो भी एक्सरसाइज है वर्कआउट उस एक्सरसाइज को कहते हैं फैसल जो आप नीयत करके करते हैं आमादा होकर करते हैं ट्रैक सूट लिया जिम गए और फिर बिल्कुल जिस तरह हम नमाज की तैयारी करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप जो है वो वर्कआउट करते हैं डेडिकेटेडली इस वक्त मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करनी है इस वक्त मैं कोई और काम नहीं करूँगा यह है वर्कआउट ठीक है तो ये तीन तरह की, आप और की ये, ये जो आप एक्सरसाइज की बात हैं ना वर्कआउट की जो हम बात करते हैं वो अक्सर मैंने जिम में भी कुछ लोगों को मैं समझाता हूँ टॉकिंग फोकस नहीं फोकस नहीं है जब आपका मसल पे फोकस नहीं है जब आप आप जिस मसल को हिट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप कोर को हिट कर रहे हैं एंड यू आर नॉट फोकस्ड ये पागल नहीं है जिन्होंने हेडफोन क्रिएट किए हैं कि यार हेडफोन किस लिए है कि एक म्यूजिक चल रहा है और आपका पूरा फोकस जो है वो आपके उस मसल पर है जिसकी आप एक्सरसाइज करें तो ऑटोमेटिकली आपका आपका ब्रेन और आपकी बॉडी उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कर लेती है जिस मसल को आप हिट करना चाह रहे हैं आधर आप बाइसेप कर रहे हैं आप चेस्ट कर रहे हैं आप बैक कर रहे हैं आप शोल्डर कर रहे हैं कोर कर रहे हैं टांगे कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं आप तो आपको पूरा जो है वो कॉन्सनट्रेट करके देखिए कोई भी काम है नमाज पढ़े ठीक है कॉन्सनट्रेशन नहीं है नमाज पढ़ते हुए ऑब्वियसली सौ ख्याल दिमाग में आ रहे होते हैं तो वो उस तरह से वो नमाज की अदायगी नहीं होती आपको ना एक एक मज़ा नहीं आता आपको एक हाँ बिल्कुल सो so, इसी तरह से जब हम एक्सरसाइज कर हालांकि मिसालें मिलाना मेरे ख्याल से गलत है लेकिन फिर भी एक एक अंदाजे के तौर पे हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं आपने जो फूडी की बात की मैं फूडी की तरफ जाऊंगा क्योंकि एडिक्शन पे तो आपने मेरे ख्याल से काफ़ी तफसील से बता दी एडिक्शन आर लोग एक एडिक्शन में एक और चीज़ भी आप ऐड कर लें एक, एक तो होते हैं फूडी ठीक है एक होते हैं हेबिचुअल ईटर्स वो

आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप कितना खा गए हैं पिछले एक घंटे में उन लोगों वो भी तो एडिक्शन में ही आएगा बिल्कुल ऐसा ही है वो भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की एक कस्म है अच्छा यहाँ पर ए, मैं ये बताता चलूँ कि हमारे माशरे का सोसाइटी का अलमिया ये है फैसल कि मुझे याद है जब आ, हमारा बचपन हुआ करता था तो हम पिकनिक में खाना खाते थे जैसे हम सी साइड गए सी व्यू गए भाई फ्रिज भी खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं बीच में वफ़ा हुआ हमारे पेरेंट्स ने कहा चलो भाई आओ बिरयानी खा लो वगैरह जो भी चीज हो अवेलेबल हो बन खा लो वगैरह वगैरह अब एक्चुअली खाने में पिकनिक है पहले पिकनिक में खाना था आ, यानी आ, और वसाइल इतने महदूद हैं कि अब क्या वीकेंड पे चलो यार खाना खाने चलते हैं सो देर इज नो फिजिकल एक्टिविटी और खाना ही पिकनिक बन गया है तो अनफॉर्चुनेटली जब खाना पिकनिक बन जाएगा तो वहां कार्डियोवेस्कुलर इमरजेंसी के, के केसेस फिर यही होंगे कि आप इस वक्त भी कहीं जाए और आपको इस वक्त रश नजर आता है एम्बुलेंस के साइर होते हैं और अनफॉर्चुनेटली हैविंग सेट दैट यकीन कीजिए कि इस वक्त सडन डेथ हम इतनी सुनते हैं अपनी फील्ड में 28 साल 30 साल 32 साल चौंतीस साल बैठे बैठे या सोते हुए हार्ट फेल हो गया सो so, ये सारा इनहेल्दी इन, लाइफ स्टाइल्स का जो है वो खमियाजा डॉक्टर मैं एक एडिक्शन के हवाले से एक और चीज़ पर जाना चाह रहा हूँ बिकॉज मुझे किसी ने मैसेज भी दिया था कि ये ज़रूर कहिएगा जी जी या आप भी उसको एंडोस कर दें बच्चे ना जिम जाना शुरू होते हैं जी जी इन अर्ली एज बहुत अच्छी बात है मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है इफ़ यू गो लाइक आप 18 17 16 साल की उम्र में आप जिम जाना शुरू कर दें सोचिए आप यूनिवर्सिटी जाएंगे आपको सुपर हीरो टाइप फिट होंगे तो आप बिल्कुल जाएं बट जल्दी ना करें uh, कुछ जगहों पे uh, जो ड्रग्स यूज़ की जाती steroids. है स्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते Please. हैं फॉर बिल्डअप मसल इन इन अ शॉर्टर स्पैन तो खुदा के वास्ते आ, ये प्लीज डॉक्टर साहब ये पता है बड़े बच्चों की डेथ हुई है इस पर हकीकत है परसों दे दे, इस पर जरूर बात करनी है हमें बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया फैसल और मैं बता दूँ कि ये मेडिकली भी जुर्म है इखलाकी भी जुर्म है और मजहबी तौर पर भी जुर्म है किसी की जिंदगी तबाह की जा रही है और अगर वह शख्स सर्वाइव कर भी गया और मैं नाम नहीं लूंगा आप गूगल करें इवन के हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसे मॉडल थे जिनकी डेथ हुई है बिल्कुल मास गो गुर्दे ख़राब होते हैं अगर आपने सर्वाइव कर भी लिया तो आप फिर सिसकती हुई अपाहज और माधूर जिंदगी गुजारेंगे इट्स अ टोटली नो नो हैविंग सेड दैट एडिक्शन के हवाले से मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ आपकी इजाजत से कहना चाहूँगा कि बेसिकली अभी मैंने एक बहुत खूबसूरत वाक़ कहीं पढ़ा कि कोई साहब थे वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने लगे उन्होंने गाड़ी की चाबी उठाई अभी घर से बाहर नहीं निकले थे तो लाइट चली गई उनके मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डेड थी तो चाबी घर के अंदर गिरी लेकिन बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो उन्होंने गेट के बाहर आके चाबी तलाश करनी शुरू कर दी तो पाँच मिनट तक तलाश करते रहे बाद में पड़ोसी ने कहा भईया आप पाँच मिनट से क्या तलाश कर रहे हैं तो उन्होंने कहा मेरी चाबी खो गई है तो मैं उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ वो पड़ोसी भी मिलके उनके साथ चाबी तलाश करने लगे तो पाँच मिनट मजीद गए उन्होंने कहा चाबी खोई कहाँ थी आपकी पड़ोसी ने पूछा उन्होंने कहा चाबी मेरी खोई थी घर के अंदर तो उन्होंने कहा बाहर क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा बाहर इसलिए तलाश कर रहा हूँ कि बाहर स्ट्रीट लाइट है घर में मेरे पास रोशनी नहीं है तो द पॉइंट इज के एडिक्शन वर्क इन द सेम वे हम बेसिकली जहां हमें रोशनी मिल रही है वहां चाबी नहीं है हम समझते हैं कि ये वक्ती रोशनी जो है ये जो डिस्ट्रेक्शन हैं ये जो एडिक्शन हैं ये हमारा फोकस वक्ती तौर पे चेंज करती है लेकिन हकीकता हमारा मकसद कभी अचीव नहीं होता बल्कि हम मज़ीद अंधेरे में चले जाते हैं वाह सो so, ये मैं चाह रहा था कि एडिक्शन को इस मिसाल से चाबी और अंधेरे वाली मिसाल से मैं बता दूँ कि ड्रग्स हो या किसी और किस्म की एडिक्शन हो

क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स बार बार करने का मौका मिलता नहीं है तो फिलहाल छोटे से ब्रेक है ब्रेक से वापस आते हैं अस्सलाम वालेकुम। सौबत इलम में आप सबको खुश आमदेद कहते हैं हमारे कराम यहाँ पे मौजूद मैं खुश आमदेद कहता हूँ सैदुलफार शाह गिलानी साहब को अज़त खुश आहमदेद डॉक्टर जवाद हैदर साहब को आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं सलमान भाई यहाँ पर मौजूद हैं सलमान भाई आपको भी खुश आमदेद कहते हैं आ, हमारे सैयद शहर दाऊ साहब यहाँ पे मौजूद हैं हजरत आपको भी खुश आमदेद कहते हैं आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब मौजूद हैं डॉक्टर साहब वेलकम ऑन द शो डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब आपको भी हम खुश आमदेद कहते हैं। आज हम आ, बात कर रहे हैं शिद्दत पसंदी पर और शिद्दत पसंदी पर अगर मैं चाहूँ तो कहाँ से तशरी जो है वो जैन साहब आपसे शुरू करते हैं फिर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे कि शिद्दत पसंदी पे मैंने भी सुबह वैसे काफ़ी बकवास की है जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था असर तो कोई होता नहीं लेकिन फिर भी जी बसमल रबुमदिन नान इबाद महमदिन वसलम फैसल भाई शिदत पसंदी यूँ समझिए कि इस वक्त आलम इस्लाम के लिए एक जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी है चाहे वो हमारे अंदरूनी हलकों के अंदर आप शिदत पसंदी को देखिए चाहे हमारे बैरूनी हलकों के अंदर यानि कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनमें देखिए है, तो ये एक ऐसा नासूर है जिसने आलम इस्लाम को हर जानब से इसे कहा जाता है जानबैन से जकड़ रखा हुआ है शदत पसंदी बुनियादी तौर पर इस्लाम इसकी कुलियतन तरदीद करता है और दीन इस्लाम अतदाल का मज़ब है वो अतदाल को पसंद करता है कुरान मजीद में हमें यही कहा गया कि वह क़ाली का जालनाकुम उमत व कि हमने तुम्हें दरमिया यानी के एतदाल वाली एक इसका माना यह भी है कि उम्मत Allah. बनाया नबी करीम सल्ला तबारक व सल्मा ने वौर इर्शात फरमाया कि खैरमी औसतहा के तमाम कामों में अच्छा काम वो है कि जो एतदाल पसंदी के साथ म्याा रवि के साथ हो जी एक तो ये सूरत हाल है शिदत पसंदी की और एक ये सूरत हाल है कि शिदत पसंदी ने इस वक्त हमारे मजहबी हलकों को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है और मज़हबी हलकों को मुतासर करने से मुराद ये है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जो एक हमारे अंदर एक मादा होना चाहिए और एक खासियत तो होनी चाहिए वो बिल्कुल हम उसको खो चुके हैं यानी कि इस शिद्दत पसंदी के यूँ समझिए कि असरात या यूँ कहिए कि उसके सम्रात में से एक समरा यह भी है कि हम दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है उसकी मैं आपको सिर्फ़ एक नज़ीर पेश करूंगा नज़ीर नज़ीर से मुराद ये कि उस पर आपको एक दलील भी कह सकते हैं आप उसको कि अभी आप रमजानुल मुबारक के अंदर मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर जो है वो टेबल टॉक्स टॉक्सा के दरमियान जारी है आप ये देख लें कि जानबैन से जो है वो उलमा एक दूसरे की बात मुक्मल सुनने के लिए तैयार भी नहीं है मिसाल के तौर पर डॉक्टर आमिर मोहम्मदी साहब हैं मोहम्मदी साहब जो हैं इनका अपना एक जो है तबका फिक्र है मकतबा फिक्र है मैं इनका अगर मकतबा फिक्र इख्तियार नहीं करता लेकिन मुझे ये भी तो जेब नहीं देता कि मैं इनकी बात को मुकम्मल तौर पर ना सुनूँ या जैसे डॉक्टर साहब हैं या दीगर अहबाब हैं तो उनकी बात को मुकम्मल सुनने का भी हमारे अंदर जो है वो एक मादा खत्म हो गया है उसकी वजह यह है कि बस मैं माँ व शिमा मतलब दी, दीगर लोग जितने भी हैं वो सब किसी कैद की मोली नहीं है बस मैं जो कह रहा हूँ बस वही बात दुरुस्त है एक तो ये पहलू है इसका दूसरा ये पहलू जो हमारे माशरे के अंदर एक ख़तरनाक तरीन सूरत सूरतयाल इख्तियार करता जा रहा है डॉक्टर साहब इसको समझते होंगे और जो लोग इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि इस शिद्दत पसंदी की वजह से हमारी कौम इस वक्त इलाहाद की तरफ रुख्सत होती चली जा रही उस तरफ जो है वह अपने यूं समझिए कि डेरे बांधती चली जा रही है सुनने वालों को नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को कि इहाद क्या है कि इहाद ये है कि अल्लाह के, अल्ला के वजूद ही का इनकार कर दिया जाए मैं ये समझता हूँ कि ये भी इसी शिद्दत पसंदी के शाखसानों में से एक शाख़साना है कि हमारे अंदर इस तरह के लोग पैदा हो गए कि हमने इस शिद्दत पसंदी के सम्राट में से एक ये समरा भी देख लिया कि जो लोग कल तक नमाज़ पढ़ते थे रोज़ा रखते थे और उनके वालदे जो है पक्के जो है मुसलमान लोग थे आज वो एलाहा की तरफ जो है वो क्यों समझिए कि शद्दर रिहाल कर चुके हैं अपना साधु सामान बांध कर जा चुके हैं और वो वहाँ जा कर भी इतने शिद्दत पसंद हो गए मादरत के साथ कि वो अल्लाह की ज़ात पर भी एतराज़ उठाने लग गए फिर अम्बिया कराम पर भी बायदा और बाबा तौर पर एतराज़ा उठाए जा रहे हैं और यूँ इवन के यहाँ तक के इस शिदत पसंदी के असरात का ही नतीजा है कि जनाब सैदना सिद्दीक अकबर जनाब उमर फारूक जनाब स्स्मान गनी सद ऐशा सिद्दीक़ा ये जो हमारी जो मुक़दस हस्तियाँ हैं इन पर भी एतराज़ा उठाए जा रहे हैं और मैं मददरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर ऐसी आपको साइट्स मिल जाएंगी ऐसे पेजेस मिल जाएंगे कि इस शदत पसंदी के शाखसानों में से आप देखेंगे कि इन मुक़दस हस्तियों के नामों के साथ बड़े अजीब अजीब अलबात लिखकर वो अपलोड किए जा रहे हैं आखिरी बात यहाँ मैं करना चाहूँगा कि ये इसी शिद्दत पसंदी का नतीजा है कि मेरा जिसम और मेरी मर्ज़ी ये भी हमारे अंदर एक बहुत बड़ा यूँ समझिए कि अलमिया पैदा हो चुका है और बहुत बड़ा चैलेंज हो के लिए और एक काम मुसलमान के लिए भी पैदा हो चुका है कि आप देखते हैं कि किस किस तरह के प्ले कार्ड्स हमारी बहनों ने उठाए हुए होते हैं कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी और खाना ख़ुद गर्म कर लो तो मैं तो ऐसे ही बैठ बैठना चाहूँगी वगैरह वगैरह ये सब इसी शिद्दत पसंदी की समरात का नतीजा है कि किसी भी काम के अंदर हम हद से तजावज़ करते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा जो एक घोड़ा है जिस जिस हमारे अंदर का एक घोड़ा है वो बेलगाम हो जाता है और फिर इस तरह के नतज बरामद होते हैं मुझे देखिए इस पर हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं आ, कहीं पर कुछ मिस इंटरप्रेट भी हुई हैं बातें और कहीं पर कुछ मिसकनसप्शन भी हैं एक एक बड़ी लंबी उस पर बहस होती है लेकिन ये जो आपने शिद्दत पसंदी की जो पूरी बात की है जी उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तकबर से जो है ये चीज़ बढ़ते बढ़ते शिद्दत पसंदी और मैं अभी शो जब शुरू हुआ था ना मैं ये बात कर रहा था मैंने कहा होता क्या है कि जो स्टैम्प पे शिद्दत पसंदी का वो मुसलमानों पे लगा हुआ और ख़ास तौर से उन पे <coughs> जिनकी दाढ़ियाँ और जिनकी शलवारें ऊपर हैं आपको वो ज्यादा शिद्दत पसंद नजर आते हैं वो शिद्दत पसंद नजर नहीं आ रहे जो पूरी दुनिया में इस वक्त क्या कर रहे हैं इंसानों के साथ फिलहाल छोटा सा ब्रेक है मैं ब्रेक से वापस आ गई इसे कंटिन्यू करता हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा <coughs> हजरत ने अभी बड़ी अच्छी तफसील से शिदत पसंदी के ऊपर बात की लेकिन एक आम तौर पर जो देखा जाता है आ, मैं उसकी मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये बात मैं उस चीज़ पे ये बात कर चुका हूँ कि हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम भी आता है इस चीज़ का आ, जो हमारे आ, आप जैसे जो मुफ्ती हजरत हैं उन पर शायद काम आता है लेकिन जो मौलाना हजरात हैं उन पर ज़रा ज़्यादा आ जाता है आ, शिद्दत पसंदी के हवाले से दीनदार हैं अल्लाह का हुक्म मानते हैं उनकी मार्फत करते हैं आ, लेकिन जो थोड़ी बर्दाश्त है वो थोड़ी बुलंद होनी चाहिए लेकिन कई दफ़ा देखा जाता है कि ऐसे मामलों में बेख्तियार हो जाते हैं हमारे कुछ आ, ऐसे लोग जो उल्मा भी हैं कुछ और येस। लोग येस। भी हैं थोड़े थोड़े से बेख्तियार हो जाते हैं थोड़ी शिद्दत पसंदी की तरफ बात चली जाती है तो लफ्ज़ों का इंतखाब कर रहे हैं आप जी बैसम फैसल भाई बहुत अहम मौजू पर बात हो रही है और मैं चाहूँगा कि हम इसके दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखें देखिए हमारे यहाँ नाइन एलेवन के बाद सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम के नाम से रेंट कॉर्पोरेशन ने एक डॉक्यूमेंट शायद किया जी और उसमें बताया गया कि मुसलमानों की चार बुनियादी नई तकसीम की जाएंगी फंडामेंटलिस्ट ट्रेडिशनलिस्ट मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट सेक्लरिस्ट वो हैं जो दीन को लाइक एनी अदर रिलीजन सिर्फ एक पर्सनल मैटर मानते हैं मॉडर्निस्ट वो हैं जो जिदत पसंदी के तनाजर में दीन में तहरीफ करने और शक्ल को मस्क करने के लिए भी नवाज़ बिल्ला तैयार हो जाते हैं फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट वो होते हैं कि जो अपनी रिवायत से हटने के लिए तैयार नहीं है और फंडामेंटलिस्ट वो होते हैं कि जो इस रिवायत पर इस कदर क़ायम रहते हैं कि इसके लिए वो ताकत का भी इस्तेमाल करते हैं अब हमारे यहाँ मुआशरे का मसला यह है कि हम दो इंतहाओं के माबैन फंस गए हैं एक तरफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है दूसरी तरफ सेक्युलर एक्सट्रीमिज्म है जी मजहबी इंतहा पसंदी भी मौजूद है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता दूसरी तरफ सेक्युलर इंतहा पसंदी है और इन दोनों के दरमियान में इस्लाम का वो अतदाल का आ, यानी पैगाम और मोहब्बत का पैगाम है जिसने इस पूरी दुनिया को फतह किया है अब आप देखिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तब यह फरमाता है कि या आल अलकिताब ला तगलू दीन कम ए अहले किताब जिन्हें किताब अता की गई है अपने दीन में गलू का शिकार ना हो जाओ वाह वाह इस गलू को तशद को एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है अरबी में इसे ततरफ कहते हैं और बहुत सारी इसके लिए असलाहत हैं जो इस वक्त मॉडर्न डे वर्ल्ड के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं आप इसमें एक बात पर और तोजु कीजिए कि इमाम गज़ाली ये किताब लिखते हैं अकतसद वजात ये शदत पसंदी इंसान के अक़दे में भी आती है फ़िक्र में भी आती है अमल में भी आती है और इसके दो बुनियादी इसबाब होते हैं एक तो ये कि इंसान अपनी पर्सनल ओपिनियन के बारे में इस कदर प्रेजुडिस हो जाता है कि जो मैंने कहा है वो दुरुस्त है इसके माँ सेवा जो कुछ है वो गलत है आप सेकेंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप तस्लीम नहीं करते दूसरा जो बुनियादी सबब बनता है वह सू किसी के बारे में बदगुमानी कर लेना और यहाँ पर मैं ये बात कहना जरूरी समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह शाह साहब ने बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई कि इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म की वजह से बहुत सारे लोग दीन से दूर भी हो जाते हैं आप देखिए कि इस वक्त हमारे उलमा के माबे जो रिलीजियस सेक्टेरिज़म है पाकिस्तान में वो बहुत सख्ती के साथ वो परवान चढ़ाया जा रहा है और इसी वजह से हमारे पाकिस्तान के जो जो अली तरीन इदारे हैं उन्होंने पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक ऐसा नेशनल नरेटिव पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया कि ये जो एक दूसरे की तकफीरी मुहम पाकिस्तान में जा रही है एक दूसरे के खिलाफ जो पूरा प्रोपेगेंडा करने की जो पूरी एक मुहम जा रही है और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान में रिलीजन को प्रोपेगेंडे के लिए पोलिटिकल मोटि के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है हमारी जहालत का आलम तो यह है कि एक यानी कैली अरबिक कैलीग्राफ़ी अगर किसी औरत के लिबास पर होती है अगरचे वो उस औरत को लिबास इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था क्योंकि अरबी के हरूफ का भी एक अदब होता है लेकिन उसको कत्ल करने के लिए उसको गुस्ताख करार देने देकर लोग मारने के लिए चढ़ जाते हैं और हमारे यहाँ बाकायदा इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है दूसरी तरफ आप देखें कि नाउज़ुबिल्लिजालिक आज तक ब्लैसफेमी के अंदर किसी शख्स को यानी डेथ पेनल्टी हुई नहीं है तो दोनों तरह की हमारे यहाँ इंतहाएँ मौजूद हैं ज़रूरत इस अमर की है कि हम अतदाल पसंदी का मोहब्बत का वो पैगाम अख्तियार करें जो हजूर वसलाम का है अब इसका एक और पहलू है वेस्ट जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का लफ इस्तेमाल करता है तो उनके नज़दीक ये माना मुराद होता है कि मुसलमानों का ये अक़ीदा कि सिर्फ इस्लाम अलक है और इसके सवा जो कुछ है वो फॉल्स है वह अलबातल है तो वो कहते हैं कि नहीं तमाम मजाहब को बराबरी का मरतबा दे दिया जाए इस्लाम क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म आप ऐथीज़म किसी भी मज़हब के मानने वाले हों तमाम मजाहब को पैरल बराबर खड़ा कर दिया जाए और हक और बातिल ईमान और कुफर की तमीज़ ख़त्म कर दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो बुनियादी यानी कन्फ्यूजन है जिसका हमारे जहनों में दूर होना ज़रूरी है एक और अहम मसला ये है कि हमारे यहाँ इंटरफेथ हारमनी के नाम पर तमाम मजाहब को बराबर कर दिया जाता है और इंटरसेक्ट हारमनी के नाम पर हक़ और बातिल की तमीज़ ख़त्म कर दी जाती है मैं ये वाशगाफ़ लफ्ज़ों में कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने फिरका वारियत को हराम करार दिया है फ़िरका बनाना फ़िरक़े में शामिल होना चाहे मुझे ये बात पसंद हो या ना पसंद हो फिरका बनाना और उसमें शामिल होना अल्लाह हराम कर दिया फ़रमाया व तस्सीमू बेहब लमियाँ वला तफरकू अब ये वला तफरक़ु के अंदर फिरका वारियत की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन होता यह है कि फिरका पैदा कब होता है एक्सट्रीमिज्म कब पैदा होता है अनकंडीशनल लव और ऐसी इतबा और इतात जिसमें इंसान अपनी आंखों को बंद कर लेता है वो सिर्फ मोहम्मद सल वसल्लम के लिए है जब गैर मशरूत वफादारी गैर मुनकसिम मोहब्बत इंसान किसी और के लिए मान ले तो वहां नाउजुबिल्ला फिर हुजूर का मद्दे मुकाबिल किसी और को खड़ा कर दिया जाता है और गैर एलानिया नाउज़ुबिल्लाजालिक नबूत के अंदर शिरक किया जाता है तो जिस तरह से अल्लाह जैसी सिफ़ात किसी और के लिए मान लेना शिरक और कुफर है इसी तरह से जब अल्लाह के नबी की सिफ़ात किसी और के लिए मान ली जाए वहां से फिर इंसान कुफर और शिरक की तरफ़ माइल होता है तो मैं कंक्लूड करूंगा इस बात को कि वेस्ट का जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का तस्वर है हम उसको रिजेक्ट करते हैं इस्लाम अलक् है उसके माँ जो कुछ है वो अलबातल है दूसरी बात यह है कि तमाम तर जो पाकिस्तान में बसने वाले मजहबी ग्रोह और फिर हैं उन्हें इस बात को आइडियलाइज करना चाहिए कि फिर वारियत हराम है लेकिन अब हम ये बात जानते हैं कि फिर बन चुके हैं लिहाजा अब जियो और जीने दो अब ये बात सीखें कि किस तरह से हम एक दूसरे को बर्दाश्त करके आगे चल सकते हैं लेकिन तमाम तर इख्तलाफात में डिएशन की इजाजत नहीं होनी चाहिए दीन से इनराफ नहीं होना चाहिए इख्त राय का एहतराम करें और सिर्फ एक बात मैं यहां ये कहूंगा कि आज उम्मत मुसलमा की ज़िल्लत, रसवाई मोहताजी और मस्कनत फ़िलिस्तीन में जो मुसलमानों का कुछ तो खून हो रहा है आज आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तरावी के आगात कितनी है हजरत अली अफजल हैं या हजरत अबू बकर अफजल हैं और इसी तरह के तो यानी कराक़ खलफल इमाम होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इस वक्त हम आपस के अख्तलाफात के अंदर लड़ रहे हैं जबकि फलस्तिन के, के मुसलमानों का कुछ तो खून हो रहा है और वह हमें मदद के लिए पुकार रहे हैं काश कि हम कुरान साहिब कुरान और हुजूर के नाम पर जमा हो जाए ये जो आप बात कर रहे हैं ना ये एक एक बड़ी प्लानिंग होती है ये। जी ये सोशल मीडिया की बड़ी गेम होती है बिकॉज आपने जब माइंडसेट चेंज करना होता है आप किसी एक के थ्रू जैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमारे ना जब फ्लड आया तो बहुत फ़ंड आया पाकिस्तान कि मैं ऑन एयर बता रहा हूँ बहुत फ़ंड आया और फंड आने के बाद वो फ़ंड कहाँ गया सबको पता है तो कहाँ यह गया कि वो हैक हो गया अकाउंट और वो सारा फ़ंड उसमें निकल गया तो वो सारी बात इस तरह से बीच में रख के की गई इतने तहों के बीच में दबा के और ऊपर तह किसकी लगाई गई कि ये तमाम एक्टर्स जो हैं ये हम अवार्ड के लिए ये कनाडा चले गए हम अवार्ड मनाने और वहाँ पे और वो हम अवार्ड चीखे मार रहा है कि भाई जो पैसा आएगा वो हम फंड रिलीफ वालों को ही देंगे ना हमारा तो काम ही है सो उसके नीचे दबा के बात निकल गई कि वो तो हैक हो गया हमारा अकाउंट तो वो सारे पैसे निकल गए तो वो बेचारे फ्लड वाले वही रह गए सारी चीज़ें वही रह गई ऊपर गेम कुछ और चलती रही तो हकीकत ये होता है कि ये जो सोशल मीडिया पर गेम चलाई जाती है कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल हक बजाने बात है वो Uh, कि हमें इस वक्त फलस्तीन की बात करनी चाहिए या और जो ममालिक हैं जहाँ मुसलमानों के साथ ज्यादा या इंसानों के साथ जुल्म हो रहा है ज्यादती हो रही है uh, उसके लिए हमें आवाज उठानी है हम सारे कहा लग जाते हैं कि भैया वो जो है ना सांस रोक के स्तंजा करें पूरी कौम इस वक्त उसे एक वीडियो पर लगी हुई है पूरी कौम एक्ट exactly. असल बात की तरफ कोई नहीं आ रहा है जवाब साहब uh, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा तालीमी इदारों में भी हमने देखा कि ये बड़े इशू सामने आते हैं शिद्दत पसंदी के Uh, कभी पार्टीज़ का प्रेशर होता है कभी अलग अलग जो हमारी इस्लामी पार्टीज़ uh, हैं उनका भी प्रेशर होता है तो ये काफ़ी सारा प्रेशर हमारे तालीमी इदारों से भी शुरू होता है आज से नहीं होता uh, uh, मेरे ख़्याल से मुझसे पहले से uh, ये सिलसिला चल रहा है uh, कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज़ में बड़ा बच्चों को शुरू से इस तरह से परवान चढ़ाया जाता है सो so, आप क्या कहते हैं इसके बारे में बसमीम देखिए शिद्दत पसंदी के हवाले से अगर हम बात करना चाहें तो ये बहुत ही वसी एक पहलू रखता है हम आम तौर पर शिद्दत पसंदी का नाम जब सुनते हैं इंतहा पसंदी का नाम सुनते हैं तो मगरबी ममालिकब से फैलाए जाने वाले उस तर्ज़ तफ़क् की वजह से उसको सिर्फ मजहबी और इस्लामी पहलू से हम उसका जायज़ा लेते हैं जबकि हमारे माशरे के अंदर जिन मख्त पहलुओं की जानब से हमें शदत पसंदी का सामना है उनमें लसानी शदत पसंदी भी है उनमें कौमी शदत पसंदी भी है उनमें सियासी शिद्दत पसंदी भी है और उनमें ये मजहबी शिद्दत पसंदी भी है तो जहाँ तलीदारों के अंदर आप जो है शिद्दत पसंदी के हवाले से जो बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर ऐसे अफराद कि जिनके मकासद जिनके अहदाफ जो है इस शिद्दत पसंदी की वजह से पूरे हो सकते हैं और मकम्मल हो सकते हैं वो यकीनी तौर पर ऐसे नौजवानों को कि जिनके अजहान जिनकी फ़िक्र अभी पुख्ता नहीं है जो अभी तलीम के मरहल से गुजर रहे हैं उनको अपने अहदाफ की खातिर जो है वो केस करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि इसमें शदत पसंदी को माशरे के अंदर फ़्रो देने वाले जो लोग हैं उनके अहदाफ और मकासद को अगर आप देख लें ना तो ज़्यादातर इंसानों के दरमियान नफ़रत फैलाने के खातिर इंसानों के दरमियान इंतशार और तफ्रीक फैलाने के खातिर जो कर रहे हैं उनके माली मफाद ज़्यादा इसके साथ वाबस्ता है ये मफादा ज़्यादा वाबस्त हैं कल भी डॉक्टर साहब के साथ प्रोग्राम के बाद इसी हवाले से गुफ्तु हो रही थी कि बाज़ लोगों का ये जॉब है ठीक है बाज लोगों की जॉब है कि वो इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहते छोटा सा ब्रेक है ब्रेक से आगे यहीं से कंटिन्यू करते हैं छोटा सा ब्रेक जी दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं डॉक्टर जवाद साहब से बात हो रही थी बात का सिलसिला मुनकता हुआ वहीं से जोड़ते हैं हजरत माजद लेकिन ये चूँकि लाहौर में अजान का वक्फा था जी जी हाँ तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ मसलन इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का जो एक रुझान बढ़ता चला जा रहा है उनमें ज़ाहिर है इस चीज़ को माशरे के अंदर प्रोमोट करने वालों के माली मफात दुनियावी मफाद इसके अंदर पोशीदा होते हैं और मैं ये जुमला आपके सामने अर्ज़ कर रहा था ना कि बहुत सारे लोगों की ये जॉब है जी. वो उनका सोर्स ऑफ इनकम यही है exactly. वो इसी के ज़रिए कमा रहे हैं तो वो थोड़ी ये चाहेंगे कि अपने रज्क और रोज़ी के ऊपर वो बंदिश डाल दें ठीक है तो इनकी वजह से उनके माली मफादा बढ़ रहे हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, उनका सोर्स ऑफ इनकम यही है तो इसलिए वो माशरे के अंदर कभी भी इंतहा पसंदी का खात्मा नहीं चाहेंगे आप अगर इंतहा पसंदी के खिलाफ अगर बात कर लें आप अगर शदत पसंदी के खिलाफ अगर बात कर लें तो उन्हें ये गुमान गुजरेगा कि आप उनके रोज़े रस्के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो आपके खिलाफ बात करने लगेंगे तो इसलिए इस ये मामला जो है वो इंतहाई गहरा है आ, तो इसलिए इंतहा पसंदी हमारे यहाँ इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम एक दूसरे के नज़रिए को एक दूसरे की बात को बर आ, सुनने तक के लिए तैयार नहीं होते हम में से हर एक ने यह समझ रखा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है और बाकी जो लोग सोच रहे हैं वो अगर मेरी सोच के अगर ख़िलाफ़ होगा तो मैं उसको जीने तक का हक़ देने के लिए तैयार नहीं घर तो इस... तो से मामला शुरू हो जाता ना घर पर मियाँ नहीं बोलने देता बच्चों को बीवी को ये नहीं मुझे पता है तुम लोग मत बोलो मसला तो वहाँ से भी शुरू हो जाता है ना बर्दाश्त जो है ज़ाहिर इंसान को हर हाल में जो है वो अपनाना चाहे चाहे अपने घर से हो या बाकी ताली अदारों से ताली के अंदर जो आपने पूछा था ना कि इसका बढ़ता हुआ जो एक रुझान है आमतौर पर हमारे यहाँ एक बात जो की जाती है चाहे मदारस के हवाले से हो या यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से हो कि सलेबस की तब्दीली के हवाले से कि शत पसंदी को कम करना चाहेंहा पसंदी को कम अगर करना चाहें तो इनके सिलेबस को चेंज कर लें तो इस हवाले से मेरे जहन में ये एक बात आ जाती है आजकल सिलेबस जो है हर ताली अदारे ने अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके रखा हुआ है आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर उनके सलेबस को अगर आप चेक कर लें तो वहाँ पर कोई ऐसा शदत पसंदी का इंतहा पसंदी का मवाद आपको नहीं मिलेगा दूसरे मसाले के ख़िलाफ़ दूसरे मकातब फ़िक्र के खिलाफ कोई मवाद आपको नहीं मिलेगा तो फिर ये कहाँ से आ रहा है तो असल में कुछ लोगों के अजहान जो है वो इसी फिर कवारीत के अंदर रचे बसे हुए होते हैं और वो उनके सामने आप कुर करीम भी रख लें और उनसे कहें दर से कुर करीम दे दें तो वो लोगों के सामने अपने ही ख्याल को जो है पेश करना शुरू कर देंगे उसका जहन जो इंतहा पसंद आना है वो अपने सुनने वाले मुखातबीन के अजहान के अंदर क़ुरान करीम के नाम पर जो है वो शिद्दत पसंद आना नज़रिया जो है उसके जहन के अंदर उंडेल कर रख देंगे तो इसका ताल्लुक जो है लोगों के जहन से हमारे माशरे के अंदर कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है ना कि बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी है बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी है और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं नहींशरे के लोग इंतहाई पुरसकून अंदाज में अमन व सलामती के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो जो जिस जानब जाना चाहता है उसके लिए वहाँ पर रास्ता खुला हुआ था मैं आमतौर पर एक मिसाल देता हूँ जैसे आप अभी अगर रेलवे स्टेशन अगर चले जाएं ना तो वहाँ पर आपको ऐसा लगे कि सारे लोग जो हैं रेल के जरिए सफ़र कर रहे हैं आप अगर एयरपोर्ट अगर चले जाएँ तो आपको ऐसा लगे कि सारे लोग बाईर सफ़र करते हैं यानी जो जिस दायरे के अंदर या जिस ट्रेक के ऊपर अगर चला जाए तो उसे ऐसा लगेगा कि सब ऐसे ही हैं तो माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे अफराद के जो इंतहा पसंदी को फरोग देने वाले हैं वो उनकी तादाद शायद इतनी ना हो लेकिन हम ये ख्याल करते हैं कि चूँकि हम उसी ट्रैक के ऊपर देख रहे होते हैं उन्हीं चीज़ों को हम आ, सोशल मीडिया से भी निकाल निकाल कर देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुआरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई उनके मुकाबले में अच्छाइयों को और अच्छी चीज़ों को अगर माशरे में अगर फैलाने की अगर कोशिश कर लें तो ज़ाहिर उनके असरा इसकी वजह से कम हो सकते हैं रसूल एक्म सल्लासम के हवाले से कुरान करीम के अंदर अल्लाह रबुलाज़त ने फरमाया कि फ़बीमा राहमल्लम वलाकुनता फ़लिदल कन फ़र्जो मिनहलिक ठीक है आप ये महर लाही है कि आप लोगों के लिए नरम दिल वाक़ हो गए अगर आप सख्त मिजाज होते अगर आप तंदखु होते संग दिल अगर होते तो लो, लोग आपके इर्द गिर्द से पराकंदा हो जाते तो ये जो एक सख्ती लोगों के दिलों के अंदर आ गई है ये हजूर अकम सलीसम की सुन्नत से और उससे दूरी की वजह से कर्न करीम ने तो इसको बाकायदा आग, आग और आतिश से तशबी दी कि कुन तुम अला शफा हुफरा तिम मिनन्नार तुम तो आग के किनारे खड़े हुए थे अल्लाह ताला ने तुम्हें उससे बचाया कि जो मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो लोग ओस और खजरच और बाकी कबाइली और अपने मामल की वजह से अख्तिलाफ का शिकार थे उसे अल्लाह रबुल्जत ने आग के किनारे के साथ तशबी थी लेकिन हुजूर अक्रम की बरकत से वो उस आग के किनारे से वापस आने में कामयाब हो गए और जाहिर है जब अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमानों के दरमान लोगों के दरमियान एक एतिहात क़ायम हो गई तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम उसको बाकी रखने की बिल्कुल बिल्कुल और मैं ये बात देखेंगे मैं हलफिया कहता हूँ आज भी जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पर शदत पसंदी की अगर हम बात करते हैं ना वाह ज़्यादा है आ, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें कम हैं होता है क्या है कुछ लोगों से हम लोग शोर ज़रा ज़्यादा मचाने लग गए आप बाकी दुनिया अभी अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ वहाँ पर जो जो हुआ है पूरी दुकानें जला दी चूँकि मुसलमानों की दुकानें थी घर जला दिए मुसलमानों के घर थे मसाजिद जो हैं वो शहीद की जा रही हैं सारा कुछ हो रहा है लेकिन वो खबरें चूँकि आप लोगों तक पहुँचती नहीं है तो आप लोग अब जैसे मैं अगर ये भी शदत पसंदी है भाई कि आप अपनी फिल्मों में मुस्तकिल पाकिस्तान को जो है वो ग़लत साबित करने पे लगे हुए हैं आप मुस्तकिल ये साबित कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी मुसलमान जो है उसको कोई और काम ही नहीं है और आप वो सिर्फ तबाही चाहता है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है हम तो सौ दफ़ा हाथ बढ़ा चुके हैं प्यार का लेकिन आप लोग जानबूझ के अपनी पब्लिक के, के अंदर वो शिद्दत पसंदी अपनी फिल्मों के थ्रू पैदा कर रहे हैं जिसका नतीजा ये आया अभी रिसेंटली उनकी एक फ़िल्म आती है जो पब्लिक ने कहा, कहा कि हम नहीं देख रहे भाई बस कर दो तो यार कितना तुम लोग फेक प्रॉपर गेंडा करोगे तो वहाँ के लोग भी तंग हैं ये बात नहीं और ये सिर्फ ए, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा ये इस तरह की प्रॉपर गेंडा फिल्म अमेरिका ने भी बनाई हैं दूसरे ममालिक ने भी बनाई हैं जस्ट टू यू नो क्रिएट दैट फर्स्ट वो जब तक फर्स्ट क्रिएट नहीं होगा नाइन अलेवन आज हम सबके के सामने आ, सारी कहानी हमारे सामने है अभी हम ये फ़लस्तन की बात करते हैं हमास की बात करते हैं सारी कहानी हमारे सामने कभी कभी हम पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा लगता है सेम स्क्रिप्ट दो दफ़ा पढ़ रहा हूँ मैं कि अच्छा यहाँ पर भी ये सारा कुछ हुआ था उसके बाद ये हुआ यहाँ पर भी सारा कुछ ये हुआ उसके बाद फिर ये हो रहा है तो ये स्क्रिप्ट सेम है सो थोड़ा सा खुदा के वास्ते ये वक्त है एक होने का ये बड़ी ज़रूरी बात है हज़रत शद्दत पसंदी के हवाले से ही बात कर रहे हैं किस तरह से समअप करते हैं किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं मोहम्मदी साहब ये मैं ये इस तरफ आना चाहता हूँ कि किस तरह से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं आपस में हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं अपने लोगों की बात कर रहे हैं किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं जैसे इन्होंने अभी एक मिसाल दी जो इिछड़ बाजार की मिसाल थी रोक सकते थे उस मामले को इतना बड़ा नहीं हो सकता था वो वो शायद बात बहुत ही हल्के से तरीके से निकल जाती जी। फिर ब्रेक है क्यों अच्छा जी चले मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूँ छोटा सा ब्रेक ब्रेक से वापस आते वा हजरत मैं आपकी तरफ था छोटा सा ब्रेक आ गया वो शिद्दत पसंदी के हवाले से क्या तरीक़े हैं किस तरह से रोक सकते हैं किस तरह से इन मसलों का हल निकाल सकते हैं किस तरह से मैं ये नहीं कहता हम सब की बात करें हम अपनी बात करते हैं मैं अपनी बात करता हूँ आप अपनी बात करते हैं हम सब अपनी बात करते हैं स्टार्ट हमें अपने आप से लेना है क्या कहते हैं रमन रहीम बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत डिबेट हुई है और तौर पर जनाब मुफ्ती हुई डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने जो एक समा बांधा था इतिहाद उम्मत का और कुरान करीम का वो फरमान के इमल मनून इखवा हर मजहबी जमात और हर मज़हबी शख्सियत को हर दाई और मुबलिक को हर आलिम और, स्पीचर और टीचर को इनमल मुन इखवा का मबलिक बन जाना चाहिए कि जितने भी कलमा गो मुसलमान हैं वो सब आपस में भाई हैं कोई बड़ा भाई है छोटा है मंझला है भाइयों के दरमियान आपस में अख्तिलाफ़ हो सकते हैं आरा के पसंद नापसंद के तरजीहत के लेकिन मुखालफत नहीं होती है भाई भाई के साथ खड़ा होता है पहली बात दूसरी बात ये कि देखिए कुरान करीम ने नबी करीम और उसके उनके ज़रिए उम्मत के दाइान को फरमाया कि सबी रबिका बिलहिकमा वलमाऊद तिलहसना तुम बुलाओ लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ अदल टप नहीं जज्बात में आकर नहीं लाकरा फ़िर दीन में कोई जबर नहीं कोई इकरा कोई जबरदस्ती नहीं डंडे के दौर पर नहीं बल्कि खूबसूरत कलाम के जरिए हमत दानाई और विजडम के जरिए तरतीब और तंजीम के जरिए और प्लानिंग के जरिए के जरिए वल हसना और बहुत ही अच्छे वाज के जरिए दूसरी बात यह कि देखिए गूगल हमें रास्ता दिखाता है कहीं अगर हम गलत टर्न ले लेते हैं तो वो दिखाना बंद नहीं कर देता वो हमें वहाँ से रास्ता निकाल कर देता है यही एक दाई का किरदार होना चाहिए कि अगर उसका मद उसकी बात पर लबैक नहीं कह रहा और उसकी बात को तस्लीम नहीं कर रहा तो उसके मकाम पर उतर कर उसके मसाइल को समझ कर उसकी मजबूरीों को जान कर उसके लिए राह हमवार करें दूसरी गुजारिश ये है कि देखिए हजरत डॉक्टर जवाद साहब उस तरफ बैठे हैं और उनका जो दाया हाथ है वो मेरे लेफ़्ट साइड पर है और जो मेरा दायाँ हाथ है वो उनके लेफ़्ट साइड पर है वो अपने दाएं हाथ के बारे में सच बोल रहे हैं और मैं अपने दाएं हाथ के बारे में सच बोल रहा हूं इसी तरह यहां पर एक हिंसा लिखा हुआ है वो उसे जब भी देखते हैं तो उनको नौ लगता है और मैं जब भी देखता हूं मुझे छः लगता है मैं भी सच्चा हूं और वो भी सच्चे हैं तो कहीं कहीं ताबीर के अख्लाफा होते हैं कहीं कहीं बात के फ़हम और मसले के इस्तेमाल के अख्तलाफ होते हैं इसलिए हमारे उस उसने हमें सिखाया कि मसालिक तरजीह के लिए होते हैं तबलीग के लिए नहीं होते हैं। वाह वाह कोई आठ पढ़ता है तो उसे पढ़ने दीजिए और कोई बीस पर मुशिर है तो उसे बीस पढ़ने दीजिए दो दिन काबिल भी मुफ्ती साहब ने डॉक्टर उमैर साहब ने कहा था कि इस वक्त तो मसला यह है कि लोग तरावी की अहमियत को ख़त्म कर रहे हैं कि तरावी पढ़ना ही नहीं चाहिए इस पर बहस करने के बजाय जिस तरह फ़लस्ती में लोगों को ताराज किया जा रहा है फ़लस्तन में लोगों को भूख से मारा जा रहा है नस्ल कुशी हो रही है और हम बहस किस बात पर कर रहे हैं कि हमें जो है वो सफ़े जो है वो सीधी करनी चाहिए और हमें जो है वो कुर्सी पहली सफ़ पे कुर्सी नहीं होनी चाहिए और कोई अपने बच्चे को अगर लेकर आ जाएगा मस्जिद तो वो शोर होगा तो बच्चे को लेकर नहीं आना चाहिए और औरतों को मस्जिद के अलग पोर्शन में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी यानी इन इश्यूज पर जिन इश्यूज पर बी मरतबा मबासी हो चुके हैं मनाजरों के दौर में मनाजरे हो चुके हैं और अहल इल्मा किताबें लिख चुके हैं वो बातें तय हो चुकी हैं और अब क़्यामत तक उन, बा, उन बातों पर कोई मज़ीद बात नहीं हो सकती लेकिन वही पुरानी बातें निकाल कर नए माशरे में नए दौर में नए नौजवानों में एक इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी पैदा करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त मसले का हल ये है कि तमाम कराम लोगों को ये बताएँ जिस तरह हमारे अकाबरीन का ये तरीका था जब फतवा लिखते तो आखिर में लिखते हाजा माइंदी वल्लुआलम बसवाब मेरे नज़दीक जो बात दुरुस्त थी वो लिख दी है बाकी असल बात अल्लाह के इल्म में है अल्लाह अकबर बाकी शिद्दत पसंदी इनशाला दम तोड़ जाएगी और जो अछरा के हवाले से बात हुई है तो अछरा में भी असल में जो लोगों ने एक ख़ास टीमें ऐसी बैठी हैं जिन्होंने मुसलमानों के अंदर लड़ाई झगड़े फसाद को आश्कार करना है और इसको प्रमोट करना है वरना अलहमदुल्ला वहाँ मसला पैदा होने नहीं दिया गया वहाँ पर उसी इलाके के वबाई कराम सामने आए और उन्होंने वहाँ इंतजामिया के साथ मिलकर उस मसले को पैदा होने से कबल रोक दिया लेकिन चूंकि इश्तहाल पैदा हो चुका था और आपको मालूम है हमने मास कम्यूनिकेशन में पढ़ा था कि अगर कोई खबर आती है ना जिस जमाने में अखबार का सिर्फ अखबार वाहिद मीडिया था अगर ख़बर यह आती है कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया तो ये कोई खबर नहीं है खबर असल में यह है कि आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो जहां कहीं इतिहाद की बात होगी इतफाक की बात होगी उस पर कोई ध्यान नहीं, नहीं, नहीं देगा जहां फसाद होगा जहां झगड़ा होगा जहां कोई उधम मचेगा जहां किसी के खिलाफ बात की जाएगी उसे सब प्रोमोट करेंगे उसको सब शेयर करेंगे तो मैं आज इतिहाद और इतफाक की बात करने पर अपने छोटे भाई डॉक्टर मुफ्ती उमैर महमूद सिद्दीकी साहब का इनकी ज्यादा से माथा चूमता हूँ अल्लाह करीम इस इन इस रविश को आम करें इतिहाद इतफाक इन नखवा हम सब मुसलमान और मोमिन आपस में भाई हैं और हमें अल्लाह के नबी नबीम की तालीमात के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल पैरा होकर एक तस्वीर दिखानी है पूरी दुनिया को कि नबी करीम इत्तेफाक के दाई थे आज हम अगर उनके मिशन के अलम्बरदार हैं तो हम भी इत्तेफाक की दावत लेकर उठे सुबहानअल्लाह सुबह साहब बड़ा प्यारा इतना प्यारा दीन है ये जो उसके ऊपर छाप लगाई जाती है ना बार बार से ला करके ओ ए शिद्दत पसंद हो मौलवी लड़ देने देखो नाल बह के खान देनी है एक दूसरे के पीछे नमाजा नहीं पड़ दे ऐसी कोई बात नहीं हमारा दीन क्या सिखाता है सुर नमल तीन मील दूर सलाम सुन रहे हैं चूंटियों की बातें चूंटी क्या कह रही है ये बात सुनने वाली है कह रही है ए चूंटियों मेरी बिरादरी की जितनी है वो, सारी की सारी जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ क्यों इसलिए कि कहीं सलेमान फौज के लोग तुम्हें वर्ड टू बी नोटिड तुम्हें बेखबरी में अपने कदमों तले रोंद ना दे वो चूंटी भी जानती है नबी और उसके साथी और जानबूझ कर तो मार ही नहीं सकते बेखबरी में भी नहीं मारना चाहेंगे तो इसलिए अपने अंदर जो दिन ऐसा हो वो कब कहेगा कि यार तुम जो है ना जैकेट पहन के जाओ उधर जाके फट जाओ मस्जिद में इमाम बारगाह में ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया है इस्लाम मोहब्बत सिखाता है जो चूंटी को नहीं मरने देता वो कैसे चाहेगा कि इंसानों को जो है ना जा कर के ज़िबा कर दिया जाए यहाँ जी जा कर के जो है ना खुद को हमले कर दिए जाएँ फसाद कर दिए जाएँ ये सारी की सारी डिस इनफॉर्मेशन है इस्लाम मोहब्बत सिखाता है ख़ुवत सिखाता है जैसे अभी मोहम्मदी साहब ने बताया डॉक्टर साहब ने बेहतरीन बात की सारे और हमारे एक ही बात की कि, कि देर इज़ नो एक्सट्रीमिज्म जो भी एक्स्ट्रीमिज़्म है नहीं है यार ये हमने ऊपर बना के हम पर थोपे गए हैं तो भाई जो हम पर थोपा गया ना हम दूध पीते काके तो नहीं है ना हटाएं हाथ भर के पकड़ें और एक दूसरे की यूनिटी और इतिहास से दिखा दें नेवर एवर हम नहीं लड़ेंगे हम एक हैं मोहब्बत वाले लोग एक एक बात मैं जो सुसाइडल अटैक्स की बात की क्योंकि मेरा डॉक्टरल थीसिस इसी पर है दुनिया का रिपोर्टेडली पहला खुदकुश हमला आवर नॉन हिस्ट्री में एक यहूदी था जिसने अपने सुसाइड अटैक में मोर देन थ्री थाउजेंड अफराद का कत्ल किया और वो कत्ल भी फ़लस्तनीों का किया और ये वाक़ रिपोर्टेड है बुक ऑफ जजेस में बाइबल के अंदर और ये जो आज दुनिया के लोग मुसलमानों को शिदत पसंद कह रहे हैं उनको देखना चाहिए कि, कि कश्मीर में अफगानिस्तान में इराक़ में यमन में लीबिया में त्यूनिसिया में और इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर क्या हो रहा है सिर्फ़ एक बात मैं कहूँगा फिर आप बात को आगे कीजिएगा कैसे ये इफ्तराक और इंतशार ख़त्म होगा जितना ज़्यादा मुसलमान अपनी असल से करीब होंगे उतना इफ्तराक और इंतशार से दूर होते चले जाएंगे और हमारी सफ़ों में इतिहाद पैदा होगा असल क्या है तअलउ मा वा इला रसूल अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद और मोहम्मद रसूल सल्हसम की ज़ाक़दस हजूरअसलामाम की ज़ा मुबारक को कभी मतनाज़ ना बनाएं हज़ूर सलाम पर दुरूद भेजें अदब करें इश्क करें मोहब्बत करें तज़ीम तौकीर करें इतबा और इताअत करें और अपना सब कुछ हुजूर सलाम के नाम पर कुर्बान कर दें यही वो नाम है जो हमें एक दूसरे के करीब कर सकता है देखें, देखें यहाँ पर मैं भी यही बात कहता हूँ फिर होता ये है कि आ, हम हमारे जितने बुज़ुर्गान दीन हैं अल्लाह है अहल बैत है हुजूर पाक है अहल बैत है जितने हमारे बुजुर्गान दीन हैं सब रिस्पेक्ट की जगह पर सब रिस्पेक्ट की जगह पर है सो so, कहीं पे भी कोई इस तरह की बात कोई इस तरह की चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि एक आम आदमी को सूट इतनी इतनी ज़रूरत कहाँ से आती है ने बहुत अच्छी बात की क्योंकि कमर्शलाइज हो गया है सब हाँ, तो इस वजह से ये शून तो इतनी, इतनी ज़रूरत कहाँ से आती है और कई दफ़ा ये होता है आ, कुछ पेजेस हमने बंद भी करवाए आ, कुछ लोगों को ओबियसली ये मैं ऑन एयर बता रहा हूँ कि हमने अरेस्ट भी करवाया लोग मुझे मिले भी क्योंकि हमने लास्ट ईयर एक शो किया था जिस पर काफ़ी वाह मच गया था वो बात समझ में नहीं आई थी लोगों को आ, लेकिन हकीकत यह था आ, हकीकत ये थी आ, कि वो जो शो था दैट वाज अबाउट नॉट अबाउट कि हम आ, लोगों को लोगों को जो है वो कोई ख़ुदा न खास्तः शदत पसंदी की बात कर रहे हैं उसमें जिस तरह से इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था जिस तरह से अम्बिया कराम के नामों का मजाक उड़ाया जा रहा था ना मैं एक बात ये कहता हूँ देखें आप वो इतनी बड़ी ज़ातें हैं हमारे कोई ना करदा हरकत या ना करदा बात से उनकी ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन लेकिन तकलीफ होती है आपको तकलीफ़ होती है जैसे आर मेरे कुछ क्रिश्चियन जो दोस्त हैं जब उनको मैंने वो सारी चीज़ें दिखाई वो भी अपना क्या कहते हैं उनका भी खून खोल गया उनको भी बहुत बुरी लगी वो चीज़ें सो एफ़ आई ए ने उसमें हमारा बड़ा साथ दिया उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने हमारा बड़ा साथ दिया हमें कहा गया कि इस पर आप बात करें आज आप फ़ोन करें किसी को सुने कि क्या रिंग टोन लगी हुई है गौर गो, से सुने के क्या तो रिंग टोन लगी हुई है हाँ। कि अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे होने वाले इस तरह के वाकयात से दूर रखें कोई इस तरह का मवाद बच्चे अपलोड ना करें बच्चा आपको दो दो सौ चार चार सौ पाँच पाँच सौ डॉलर रोज़ के कमा के दे रहा है कहाँ से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं सो बच्चे को वहाँ पे रोकें समझें बात को वो बच्चा मिस यूज़ हो रहा है वो गलत हाथों में है। वो डार्क वेब के अंदर है बच्चे को रोकें समझें जाने देखें कि वो बच्चा क्या कर रहा है उसको पूरा पढ़ लें इससे पहले कि कोई और ख़ुदा न खासतःह कोई गलत चीज़ हो तो हमारी उस बात को भी गलत इंटरप्रिटेट करके आ, आगे ले जाया गया जहाँ पे काफ़ी सारा मसला हुआ था लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है एक, उनको भी समझ आ गई जी हज़रत मैं चाहूँगा जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा आपने भी कहा कि जो हमारी जो मुक़दसा दिनिया है इसके मामले में अगर कोई मुसलमान जो है वो हाइपर होता है या अपनी गैरत का मुजाहरा करता है तो उसे हम शिद्दत पसंदी से जो है मौसू नहीं कर सकते नहीं बाज़ लोग इस ग़लतफ़हमी पर रहते हैं कि मुसलमान वैसे ही जो है वो गु़स्सा हो जाते हैं या वैसे ही उन्हें जलाल आ जाता है ऐसा नहीं है कि इन इन हस्तियों के साथ अम्बिया के के साथ सहाबा के साथ आल बैत के साथ जो मुकदसात दिनियाँ हैं इनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो हमारे ईमान का जुज्व है हम अपने ईमान के जुज्व पर किसी भी तरीके से कोई भी सौदेबाजी नहीं कर सकते यूँ कह सकते हैं आपके जो ज़रूरियात दीन हैं दूसरी सूरत यह है कि जो ज़रूरियात दीन है उसमें भी हम ये हमसे कोई ये उम्मीद ना रखें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं वा शिकाफ़ अल्फाज में ये कहना चाहता हूँ कि अल अल व अक़ वकुल मा सिवा वाह बातिल असल ये है कि हम अपनी ज़रूरियात दीनिया जो हमारे मसले दीन की ज़रूरियात की अहमियत रखते हैं और उसके बाद हमारे मुकदसात उस सूरत हाल में कोई भी मुसलमान बल्कि मैं ये कहने में भी हक बजानब रहूँगा और ये दो टोक और बबांग दोहल ये बात करूँगा कि मुसलमानों का पाँच साल का बच्चा भी इस मामले में कोई भी जो है वो सौदेबाजी और कोई भी कम्प्रोमाइज़ करने की पोजिशन में नहीं है और अगर इसमें आखिरी बात ये कर दूं कि अगर आलम कफ़िर को ये गलत फहमी है या यहूदियों को या नसरानियों की गलत फहमी है कि ये शिद्दत पसंदी है तो फिर उन्हें अपनी किताबों को देखना चाहिए उनकी अपनी किताबों के अंदर और यू एन एू एन ओ के कवानीन के अंदर ये वाज तौर पर लिखा है कि अगर कोई मुआज़ जज की बेदबी करता है तो उसे भी गुस्ताखी गिरदाना जाता है उसे भी बेदबी गिरदाना जाता है और उनके भी जो मुकदसा दिनिया उनके हैं उनके बारे में भी अगर कोई गलत जुमला इस्तेमाल करता है गलत फेल इस्तेमाल करता है उसकी सज़ा है तो यार तुम्हारे यहाँ जिन चीज़ों की सजा है, है तो वही सजा अगर हमारे मजहब में है और वही जज्बात अगर हमारे मजहब में तो तुम उसे शिद्दत पसंदी कहते हो ये शिद्दत पसंदी नहीं है हम मतलब एक शिद्दत पसंदी को शिद्दत पसंदी का नाम देकर हम बेगैरती की जिंदगी नहीं जी सकते हम इस्लाम के लिए हम ये जज्बात भी रखते हैं कि हम इस तरह के मामलों के लिए कट मरने के लिए तैयार है अल्लाह जल्ला करीम हमें शिद्दत पसंदी की और इस्लाम की हकीकत की हकीकत को पहचानने की तोफ़ी कता आमीन आमीन मैं तमाम इस्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ओजी डेवलपर्स का खालिद स्वीट्स का आ, हमारे साथ यहाँ पे फोटाइल भी है उनका भी शुक्रिया और इतनी गपशप होती है तो उसके साथ फिर चाय की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और जब चाय की ज़रूरत पड़ती है तो टपाल दानेदार यहाँ मौजूद है आज अवतार के बाद एक कप से कुछ नहीं होगा एक कप और चाहिए होगा सो so, नहीं अभी नहीं ये रखा हुआ है भाई ये गलत हो जाता है ये गलत हो जाता है अवतार अभी नहीं हुई सो so, इनशल्ला आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जरा बेहतर मौजू की तरफ डिस्कस कर सके ताकि कुछ थाट प्रोवोकिंग हो बाकी जो आपके ये वाले मसले हैं के बाल इधर से बनाए कि इधर से बनाएं उसके लिए जवाब देने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए अः से ब्रेक ब्रेक से वापस आते हैं Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا